हेलो हेलो चलिए थोड़ा सा शांति बनाइए आप सबका स्वागत है बिहार द्रोगा सिलेक्शन बैच में यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम आपको प्री प्लस मेंस का संपूर्ण तैयारी कराने जा रहे हैं जो बच्चा कुछ नया दिखाई दे रहा है इसलिए जानकारी आपको दे देते हैं साथ ही आज का वीडियो भी आपका यूट्यूब पर जाएगा अभी तक तो दो तीन वीडियो डेमो में यूट्यूब पर जाएगा देखिए तो इस सिलेक्शन बैच में क्या है कि अभी हमारा जो सब्जेक्ट शुरू हुआ है पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था भारतीय राज व्यवस्था का एक चैप्टर अभी तक तो हो चुका है इसका नाम है संविधान सभा संविधान निर्माण प्रक्रिया और संविधान सभा

आवाज वगैरह सब ठीक है दोस्त अगर किसी को समस्या होता है तो आप लोग कहा कीजिएगा मोबाइल को एक बार लॉग आउट कर लीजिएगा या बाहर जाइएगा बाहर जाकर दोबारा इन कीजिएगा तो सब सही हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आइए अब सुनिए जितना भी भाई बंधु ऑनलाइन वाले हैं उनको खास करके है आप कमेंटबाजी पर कम फोकस कीजिएगा हम जहाँ पर समझाते हैं बताते हैं उस पर फोकस कीजिएगा यहाँ हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे क्वेश्चन का अगर आंसर देना होगा तो आंसर दे सकते हैं ताकि इंट्रेक्शन बना रहे अब बाकी फालतू कमेंटबाजी पर ध्यान नहीं दीजिएगा ठीक है और हमको देखिए परफॉर्म करने का मौका दीजिएगा तभी यहां परफॉर्म करेंगे एक और चीज ध्यान रखिएगा यहां हम पढ़ाएंगे पॉलिटी इसका टेस्ट ले रहे हैं तो खाली इस पर फोकस रखना चाहिए ये नहीं कि बायोलॉजी कहीं पढ़ाएगा तो हिंदी कहीं पढ़ाएगा तो मैथ कहीं पढ़ाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका दरोगा एग्जाम आएगा उसे हम पहले क्या करेंगे समाप्त करेंगे ठीक है ना चलिए तो हो गया हमारा टॉपिक क्या है संविधान सभा है तो देखिए इसके अलावा क्या है कि जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट वाइज बुक है तो जो बच्चा अभी नहीं लिया होंगे जरूर ले लीजिएगा आप लोग भी बताते हैं जरूर ले लीजिएगा आपको बहुत ज्यादा काम करेगा और इसका डिस्कशन वीडियो भी चल रहा है डिस्कशन वीडियो भी देख लीजिएगा काफी बेनिफिट करेगा और जो ऑनलाइन वाले भाई बंधु तो देख रहे होंगे पूरा इंडिया में कहीं भी होम डिलीवरी चालू है इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या ऑर्डर करना होगा तो द सिलेक्शन रू अपलीकेशन के बुक सेक्शन में जाइएगा वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा ठीक है चलिए यहाँ पर आते हैं अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा छोटा छोटा है लेकिन थोड़ा हम समझाने का प्रयास देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं बिहार दरोगा में जो तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस टॉप उस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आया है पहले यहाँ पर शुरू में क्वेश्चन है और उसके बाद क्या प्रैक्टिस के लिए हम पचहत्तर क्वेश्चन यहाँ पर एड किए हैं तो सबसे पहले क्या है कि देखिए बिहार दरोगा में क्या है कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया था दो में दो में क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं तो जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या बोले दोस्त 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से क्या हुआ था लागू हुआ था 1950 को लागू हुआ था इस समय क्या था कि भारतीय संविधान में अगर हम बात करते अनुसूची की संख्या तो कितना था आठ था बाद में चार जोड़ा गया था कितना हो गया बारह गो उसके बाद भाग की संख्या की बात करते हैं तो शुरू में कितना था बाईस था इसमें एक घटाया गया अब बाद में चार को जोड़ा गया तो कितना हो गया पच्चीस तो शुरू में बाईस भाग था वर्तमान में कितना है पच्चीस है आई जो घटाया गया पूछ दिया गया इस बार दरोगा एग्जाम में सातवां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया सातवां भाग को समाप्त कर दिया गया इसके अलावा क्या कि शुरुआत में तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद था अभी भी अनुच्छेद की संख्या तीन सौ पंचानवे ही है ठीक है ना लेकिन उसमें एबीसीडी जोड़ दिया गया है तो बोल सकते हैं कि साढ़े चार सौ से अधिक हो गया दो हजार बाईस तक की बात करते हैं चार सौ अड़सठ के आसपास था साढ़े चार सौ से अधिक है वाला क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है लेकिन इसे पूछेगा कि शुरू में, में, में भाग कितना था बाईस वर्तमान में कितना है पच्चीस शुरू में अनुच्छेद कितना था तीन सौ पंचानवे वर्तमान में साढ़े चार सौ से अधिक है क्वेश्चन बना भारतीय संविधान में कितने अध्याय थे बाबू आंसर हो जाएगा आपको बाईस आइए अगला क्वेश्चन है देखिए क्या है ये दो में ही एग्जाम हुआ था उसका है अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है राष्ट्रीय अवकाश मतलब होता है नेशनल होलीडे हमने बताया कि हमारे देश में तीन डेट को नेशनल अवकाश या राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषणा किया गया है उसमें क्या है एक हो आपको 15 अगस्त 15 अगस्त उन्नीस को हमारा देश आजाद हुआ था तो इसको हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस और इस दिन होता है नेशनल होलीडे राष्ट्रीय अवकाश होता है अगला क्या हमारा संविधान पूरी तरीके से छब्बीस जनवरी उन्नीस को लागू हुआ था आज दिन हम लोग मनाते हैं गणतंत्रता दिवस रिपब्लिक डे और ये भी हमारा क्या राष्ट्रीय अवकाश है? है और एक होता है दो अक्टूबर दो अक्टूबर इसको मनाते हैं गांधी जयंती हालांकि दो अक्टूबर को ही आपका शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती मनाया जाता है तो दो अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और विश्व की बात करते हैं तो विश्व अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र एक संगठन यूनाइटेड नेशन उसके द्वारा विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है अक्टूबर को इसके जयंती को गांधी जी के जन्म दिवस को दो अक्टूबर को भी मनाते हैं हम गांधी जयंती और यह क्या है राष्ट्रीय अवकाश है समझ में गया ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ छब्बीस नवंबर छब्बीस नवंबर उन्नीस को क्या बोले बाबू छब्बीस नवंबर उन्नीस को भारतीय संविधान लागू हुआ था ठीक है ना पहला बार तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं लेकिन इस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है आई क्वेश्चन पूछा गया तो क्या हो जाएगा पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी और अक्टूबर को तो बोलिए यहाँ पर कौन राष्ट्रीय अवकाश नहीं हो गया छब्बीस चला गया छब्बीस जनवरी को तो होगा पंद्रह अगस्त होगा दो अक्टूबर होगा अब देखिए पच्चीस दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते क्या हैं सुशासन दिवस 25 दिसंबर को और यह क्या हो जाएगा बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय अवकाश नहीं है देखिए यहां से दो टॉपिक आपको निकल जाएगा एक तो की राष्ट्रीय विकास हो गया अब आप प्लस आपके लिए एक टॉपिक क्या बन गया एग्जाम के लिए बाबू दिवस क्या हो गया दिवस जनवरी का दिवस फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस को आप याद कर लीजिए इसके बारे में चर्चा पूरा चर्चा कर दी है यहाँ पर अगला के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जैसा कि आपको बताया गया कि देखिये तो नौ दिसंबर क्या बोले नौ दिसंबर उन्नीस को है ना और फिर क्या बोले ग्यारह दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस तो देखिये संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था नौ दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को इसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जिनका नाम था सजदानंद सिन्हा क्या नाम था सजदानंद सिन्हा इनको बनाया गया था संविधान सभा का पहला अध्यक्ष लेकिन तो दो क्वेश्चन संविधान सभा के पहला अध्यक्ष सजानंद सिन्हा संविधान सभा का पहला अध्यक्ष ठीक है परमानेंट नहीं थे और ये दिसंबर छियालीस को बैठक हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया द्याँ गया लेकिन नंबरिंग में देखिएगा तो दूसरा हो जाएंगे ना पहला तो ही हो गए क्या हो जाएंगे आपको दूसरा हो जाएंगे लेकिन पहला परमानेंट पूछेगा तो पहला परमानेंट हो जाएंगे डॉक्टर प्रसाद एक क्वेश्चन से भी पूछा गया है कि आपको भारत के विभाजन के बाद या गांत भारत में सॉरी भारत के विभाजन के बाद देखिए भारत के विभाजन 15 अगस्त उन्नीस को हुआ अरे चौदह अगस्त को मान सकते हैं लेकिन हमारा देश 15 अगस्त उन्नीस को आजाद हुआ आजाद भारत में आजाद भारत में संविधान सभा के पहला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएंगे डॉक्टर चंद्र प्रसाद लेकिन जब आजाद भारत नहीं था तो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था ये सब क्वेश्चन को कुछ है भी करके पूछ सकता है ध्यान रखिएगा हाँ ये क्वेश्चन संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन सचिदानंद सिन्हा इनको ये भी बोलते हैं आधुनिक बिहार का निर्माता क्योंकि इन्हीं के प्रयास से बिहार को एक अलग राज्य के रूप में बंगाल से अलग किया गया समझ में आ गया सब देखिये सचिदानंद सिन्हा राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे मतलब की संविधान सभा के पहला अध्यक्ष किस राज्य से थे बिहार से वेरी गुड चलिए आपके ऑप्शन में जितना रहेगा ना सबके बारे में कुछ कुछ जान लेना होता है ठीक है ना तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा पहला पहला परमानेंट अध्यक्ष हो जब भारत आजाद हुआ तो इनको राष्ट्रपति चुना गया ठीक है ना इसके अलावा कई सारा समिति था उसका क्या थे अध्यक्ष थे तो जहां समिति पूछा है वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे आइए भीवर आंबेदकर को क्या बोलते हैं भारतीय संविधान का निर्माता भारतीय संविधान का पिता भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर भारतीय संविधान का वास्तु बाकी इनसे और क्वेश्चन आगे दिया गया तो वहां पर चर्चा करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे आगे और चर्चा करेंगे इनके बारे में आगे चलिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था ये बनेगा देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था ना 13 दिसंबर 46 को देखिए नौ हमको बैठक में याद करना 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर फिर छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास और फिर चौबीस जनवरी सो पचास जनवरी सो पचास इतना बैठक हमको सुनिएगा तेरह को तो संविधान सभा का जब बैठक हो रहा था तो देखिए संविधान को बनाने में टोटल में कई सारा बैठक हुआ है तो ग्यारह सेशन हुआ इगारा, इगारा सेशन टोटल हुआ पहला सेशन चल रहा था उसका पांचवा बैठक था बैठक यह भी क्वेश्चन पूछा गया केमा बैठक में पहला सेशन के पांचवा बैठक का को यहाँ पर आपको उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ठीक है आंसर हो ये आइए बाबू जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया तो पारित कब बाईस जनवरी उन्नीस सौ सैतालीस को यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना का रूप लेता है आगे बढ़िए ये भी क्वेश्चन बन गया आइए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था बनेगा वेरी गुड देखिए क्या हुआ था कि संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था आपको 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी सौ पचास इस समय कई सारा निर्णय लिया गया था सारा निर्णय लेने के बाद सिग्नेचर कर दिया गया पहला तो कि राष्ट्रगान जनगणम को स्वीकार किया गया राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया है ना और फिर क्या है कि जितना थे अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिया तो संविधान सभा पर हस्ताक्षर चौबीस जनवरी सौ को ही किया गया था टोटल दो सौ नानवे को सदस्य थे अरे शुरू में तीन सौ नवासी को सदस्य बनाया गया था संविधान सभा के लिए लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया तो नब्बे दो सौ निन्यानवे दो सौ निन्यानवे से उस दिन मात्र कितना उपस्थित है तो संविधान सभा पर कितना सदस्य ने हस्ताक्षर किया दो सौ चौरासी ने तो आंसर हो गया आपका आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन पूछता है में कौन सुमिलित नहीं है कौन सुमिलित नहीं है तो सुनिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोलता है संघीय समिति संघीय समिति अब देखिए इसमें जानते हैं अब देखना है कौन नहीं तो देखिए सबसे पहले क्या है राज्य के लिए समझौता करने करी जवाहरलाल नेहरू थे फिर क्या बोले संचालन समिति इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि देखिए हिंदी में दोनों संचालन समिति होता है लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है अलग होता है एक संचालन समिति है ठीक है ना तो उसको स्ट्रीटिंग कमेटी बोलते हैं अंग्रेजी में तो उसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए हैं ठीक है ना एक मुंशी है ठीक ना? क्या? क्या हो गया? उसका के की है, की है? ठीक ना तो यहाँ पर एक हो सकता है अब आ जाइए प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रारूप समिति में सात सदस्य भीमराव अम्बेडकर क्या थे अध्यक्ष थे उनतीस अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को प्रारूप समिति बनाया गया था ठीक है ना ड्राफ्टिंग की बोलते हैं मसौदा समिति बोलते हैं अब है कि देखिए संघीय समिति देखिए इसमें कुछ नहीं पूछ ले जाना पड़ेगा देखिए संघ शक्ति है कि संघ संचालन कुछ दिल ही नहीं है तब ऑप्शन कैसे जाना होता हम है हम बताएं क्या कि संचालन समिति आएगा तो वहां पर आपको जाना समान तौर तो पर क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या क्या जाना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक ना तो यहां पर होगा ई वाला क्या हो, हो जाएगा गलती हो जाएगा और बाकी इसके साथ क्या समझना है क्या आपको संग संग कि आपको पूछता संघ शक्ति समिति या पूछता संघ शक्ति समिति और संचालन समिति का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेकिन देखिए अंग्रेजी कर देगा और स्ट्रीटिंग कमिटी तब होगा राजेंद्र प्रसाद लेकिन ऑर्डर ऑफ बिजनेस

यहाँ पर हम बताए थे दोस्तों चार को क्या करना महीना पांच को याद करना था क्या क्या कौन महीने बाबू मार्च में इस सब उन्नीस की बात है फिर क्या हुआ संविधान सभा के लिए क्या हुआ चुनाव क्या हुआ चुनाव तो, तो, तो चुनाव कब हुआ जुलाई में चुनाव कब हुआ आपको जुलाई में फिर क्या बोले संविधान सभा के लिए फिर क्या बोले चुनाव के बाद एक अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया आई कौन महीना में, में सितंबर में याद आ रहा दो सितंबर को याद रहा ना और उसके बाद फिर क्या हुआ कि संविधान सभा गठन किया गया तो गठन कौन महीना में, में नवंबर महीना में अब फिर क्या होगा बैठक बैठक कौन महीना में, में दिसंबर देखिए सब जानते हैं उन्नीस छियालीस की बात है मैंने मार्च में आगमन हुआ 24 मार्च को क्वेश्चन पूछेगा चुनाव हुआ जुलाई महीना में और दो सितंबर उन्नीस को क्या किया गया आपको अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया फिर क्या बोले कि गठन हुआ नवंबर में अब बैठक हुआ दिसंबर में तो यहाँ पूछता है कि संविधान कहा ना चल गया कि तो संविधान सभा गठन कब हुआ तो बोलिएगा कब बनाइएगा नौ उन्नीस सौ छियालीस लेकिन याद कीजिए एक हम यही बताए हैं कि ऑफिशियल डाटा पर क्या दिए हुए बाबू वहां पर दिए हुए कि छो दिसंबर क्या वो छह दिसंबर क्या बोले कि संविधान सभा गठन हुआ था ना तो ऑप्शन के अनुसार ही देता है लेकिन एक सोर्स में कंफ्यूजन होगा हम इसलिए बता दे रहे, हैं। हम रहे हैं ताकि आपको अगर ऑप्शन आ जाए तो इसके साथ जाया जा सकता है ना चलिए आइए निम्नलिखित में से कौन से 29 अगस्त

पहले खाली पूछता कितना सदस्य थे आजकल पूछता कौन नहीं थे मतलब सातों को आपको याद करना पड़ेगा ठीक है ना तो इसमें भीमरा मित्र अध्यक्ष थे केव मुंशी भी इसमें शामिल थे मोहम्मद सादुला थे है ना गोपाला स्वामी थे कृष्णा स्वामी थे डी एल मित्र थे है ना डीपी खेतान थे तो ये या तो आपको याद करना पड़ेगा टोटल छह सात गो लेकिन दो के जगह पे दो गो हो था तो टोटल नौ को आपको याद करना पड़ेगा कितना याद करना पड़ेगा नौ गो लेकिन नौ को आंसर मत मारिएगा

एक झंडा समिति देखिए आपको कई जगह जेबी किल पानी देता है लेकिन मत मारिएगा वो कहीं ऑफिशियल सोर्स में नहीं है आपको याद करना है कि झंडा समिति दो भारतीय इतिहास में देखता है एक है कराची अधिवेशन में इसका आपको सरदार पटेल अध्यक्षता किए थे एक उन्नीस सौ में बनाया गया था उसको अध्यक्षता किए थे डॉक्टर प्रसाद उसको दौर झंडा समिति बोलते हैं जेबी किल पानी मत मारियेगा उदयगा ऑप्शन में नहीं मराना है ठीक ना तो आंसर क्या हो जाएगा झंडा समिति क्या हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद समिति था बीतौर स्टाफ समिति उसका भी अध्यक्षता तो कौन प्रसाद के चलिए इतना कौन कैबिनेट नहीं था आपको याद है ना एक है क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था एक है जो कि 1946 में आया था इसमें तीन गो सदस्य थे एक थे पैथिक ये भारत सचिव या बाबू भारत मंत्री थे जो कि यही अध्यक्ष थे का। तो ये तो होगा बाबू है ना ए भी लगे नौसेना मंत्री थे ये भी होगा क्रिप्स भी थे यहाँ पर विलियम बाबू नहीं थे तो यह हो जाएगा आंसर कौन नहीं है तो ये आपके नहीं अब देखिए आंसर क्वेश्चन बनाते जानते हैं यहाँ पढ़ना है का उचित कौन नहीं थे कई बार कहते कौन थे या के चलाते हैं कौन नहीं थे ये भी देखना है आइए यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है बताइए शुरू में आठ था वर्तमान में कितना है बारह अब सुनिएगा यहाँ पूछता कि भारतीय सन कितनी अनुसूचियां हैं हाल ही कितनी अनुसूचिया वर्तमान कि में की बात शुरू में तो यहाँ अनुसूचिया है, है मतलब क्या वर्तमान में तो क्या बनाएंगे बारह को आठ नहीं कितना था शुरू में कितना था आठ को चलिए आइए उन्नीस सौ में भारत आए कैबिनेट में कितने सदस्य हैं कितना हो है? जाएगा तीन पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ या तो क्वेश्चन रिपीट होता है या तो क्या होता है टॉपिक रिपीट होता है ये भी आपको बन गया तो ग्यारह क्वेश्चन क्या था अभी तक पूछा गया था वाला अपडेट नहीं किया चौबीस वाला क्या करेंगे लास्ट में अपडेट कर देंगे ठीक ना चलिए अब क्या गया आ गया बाबू आपको मेन आ गया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मतलब पढ़ने के बाद लग रहा है सब बन जाएगा सब बन रहा है ना अब आइए बाबू सत्तर पचहत्तर क्वेश्चन है इसको अच्छा क्वेश्चन को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करवा देंगे दस सिलेक्शन रू टेलीग्राम चैनल पर तो वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग तो मिल भी करेगा आप लोग लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए हैं आप लोग नहीं निकलवाए थे आप लोगों को तो पहले ही ग्रुप में शेयर कर दिया गया था वो निकलवाया ना है तो इतना कम से कम एफर्ट कीजिए और तो यहाँ पैसा जमा कर दीजिएगा है ना देखिए दोस्त जो चीज जरूरी है ना उसमें अपना समय और संसाधन लगाइए हम लोग जो जरूरी नहीं है उसी में समय और संसाधन लगाते हैं आज जो जरूरी उसमें लगे हुए नहीं करते हैं आइए भारतीय संविधान सभा किसके सिफारिश से बनाया गया था ऑप्शन में मिशन क्या कैबिनेट मिशन तो क्या, मिशन। क्या हो जाएगा कैबिनेट मिशन अब देखिए बाबू क्रिप्स मिशन आया था उन्नीसो में उन्नीस सौ बयालीस में इसका सिफारिश क्या था कि भारत को डोमेन स्टेटस मिलेगा पहले आया क्यों था द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो भारतीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था बोला कि डोमेन स्टेटस मिलेगा ना और क्या बोला कि भारत के लिए सबसे पहले ही बोला था कि सदस्यों के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के आधार पर था, ना? ना? था कि जो देशी रियासत भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं उस संविधान सभा में तो अलग से संधि कर सकते हैं इसीलिए क्या है कि कांग्रेस स्वीकार नहीं किया मुस्लिम स्वीकार नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के बातें नहीं किया था

इसीलिए यहां पर बोल सकते हैं कि सफल नहीं हो पाया आज साइमन कमीशन जानते हैं दोस्त उन्नीस सौ अट्ठाईस में आया था यही अंग्रेज नहीं था साइमन गो बैक लाला लाजपत राय को इसको विरोध करने दौरान क्या चोट लगा और उसमें क्या हो गया मृत्यु हो गया इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में बताया जाएगा आइए अगला है संविधान दिवस कब मनाते हैं देखिए है। भारत जानते हैं क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम बच्चा उस जानते हैं बना के आता कोची बाबू छब्बीस जनवरी देखिए आपको 26 नवंबर उन्नीस को संविधान पहली बार लागू हुआ था ठीक है ना आंशिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था तो 26 नवंबर को पहला बार लागू हुआ तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस तो क्या हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा ना पंद्रह अगस्त को आजादी दिवस मनाते हैं आज छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं आज चौबीस जनवरी को क्या बोलते हैं संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था है। फिर निम्नलिखित में में से कौन संविधान सभा के के सदस्य सदस्य नहीं थे? देखिए, अब नवासी को शुरुआत कैबिनेट मिशन सिफारिश आधार पर इसमें पाकिस्तान जब बंट गया तो दो, दो सौ निन्यानवे को हो गया यही हुआ था तो क्या लगता है कि दो सौ निन्यानवे याद करना संभव हो पाएगा नहीं कौन नहीं था वो याद कर लीजिए मोहम्मद और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो बाकी आइए बाबू महात्मा गांधी संविधान सभा के से नहीं थे चलिए <coughs> निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार थे देखिए बीएन जो राव थे बीएन राव इनको बोलते हैं बेनगेल नरसिम्हा राव एक होता है देखो पीवी नरसिम्हा राव यहां पर एक चीज बेनगेल नरसिम्हा राव तो एक क्या था संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ठीक या है या संविधान सभा के सलाहकार बोल सकते हैं राव नहीं होगा क्या होगा बेनेगल यहां तो कोई दिक्कत नहीं ठीक ना और एक और कि जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ को दिया गया था लेकिन पहला ड्राफ्ट कौन तैयार किए थे बी एन राव ठीक ना बाकी हो गया को भारतीय संविधान के पिता बोलते हैं बताइए दिए मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे इनसे एक क्वेश्चन बड़ी पूछता है नेहरू रिपोर्ट क्या वो नेहरू अभी कुछ देर पहले बताया था साइमन कमीशन तो साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाया गया था नेहरू रिपोर्ट उन्नीस सौ अट्ठाइस में कब आया उन्नीस सौ अट्ठाइस में किस अध्यक्षता में मुस्लिम नेहरू ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट नहीं आया है संविधान सभा गठन कब किया गया बताइए गठन पूछता संविधान सभा का गठन कब किया गया और तो कुछ पहले बताया ना गठन जी नवम्बर बोले ना देखिए आपको नवंबर के साथ जाना मैं अक्शन टाइम बता दिए डेट पूछेगा तब वो है उन्हें जाइएगा न तो आपको इसी के साथ जाना है संविधान सभा गठन का क्या गया नौनी सौ छियालीस में संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष खाली संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो सिंह सिन्हा लेकिन संविधान सभा का प्रथम अस्थायी परमानेंट पूछेगा तो कौन हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा कि इसके अनुसार संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं था देखिए संविधान सभा कई विद्वानों द्वारा आलोचना किया जाता है उसे महात्मा कई विद्वान मानते हैं कि संविधान सभा संप्रभु इकाई नहीं था संप्रभु मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई और शक्ति था संप्रभु मतलब कोई शक्ति हमारे ऊपर नहीं है बोला गया कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बन रहा है नहीं जी तो मतलब अंग्रेज के देख रेख में बन रहा है तो हमारे ऊपर संप्रभु कौन हो गया अंग्रेज ने हो गया हम तो संप्रभु हुए नहीं तो मतलब संविधान सभा संपर्वी, तो संपर्वी का ही आलोचना किया जाता है हालांकि देखिए जब हमारा देश पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ को आजाद हुआ तब हम क्या बन गए संपर्भिकाई बन गए थे महात्मा गांधी भी आलोचना करते हैं तो महात्मा गांधी भी बोलते हैं कि संविधान सभा संपर्विकाई नहीं था बाबू कौन बोलते महात्मा गांधी चलिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे देखिए एक पूछेगा राज देखिये एक पूछेगा संघ संविधान तो संघ संविधान पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर प्राण संविधान पूछेगा या राज प्रांग, क्या प्राण संविधान पूछेगा या राज संविधान पूछेगा तो वहां वल्लभ भाई पटेल संघ संविधान पूछेगा तो कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्यों से समझौता करने वाला समिति के अध्यक्षता कौन किए हाँ अब मौलिक अधिकार पूछेगा या अल्पसंख्यक समिति पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में महिला सदस्यों के संय कितना था देखिए तीन सौ नवासी को सदस्य था ठीक है ना इसमें हरेक वर्ग को प्रतिनिधि दिया गया था उसे महिलाओं को ही पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया था और उससे महिला था को बंद पंद्रह था चलिए भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है देखिए एक है राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान होता है जनगणना मन जनगण मना इसका रचना किया कौन रविन्द्रनाथ टैगोर आई सबसे पहले बंगाली पत्रिका में भारत भाग विधाता नाम से छपा था आयुषको क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को आपको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया जबकि राष्ट्रगीत की बात करते हैं तो बंदे मातरम जो कि बंकिम चंद चटर्जी लिखे हैं आई आनंद मठ उपन्यास में पहले छपा था वहीं से लिया गया है आयुको लिखे हैं बंकिम चंद चटर्जी ठीक है तो राष्ट्रगान राष्ट्र गीत समझ गया गान जाना गाना न न तो राष्ट्रगान आ गीत हो गया एक और ध्यान रखिएगा तो भारत का राष्ट्रगान के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रगान का रचना भी कौन किए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर तो रविन्द्रनाथ टैगोर दो देश के राष्ट्रगण की रचना किए भारत का जनगणना मना अब बांग्लादेश का अमार सुनार बंगला अमार सुनार बंगला अमार सुनार बंगला अमार सुनार बंगला ठीक है ना चलिए एक देखिए देखिए थोड़ा ऑनलाइन वाले भाई हम बोलेंगे ना कि जानते हैं जैसे आप लोग को जो आएगा ना तो क्या कीजिए कि अपने मन में सोच लीजिएगा क्योंकि देखें क्यों देख, कमेंट क्यों देख, क्यों आवाज देख, भी जानते हैं समय लगेगा हम बार बार कमेंट देखेंगे ना तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन डील करना है तो ऐसा कीजिएगा ना कि देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन पूछते हैं तो आप मन में सोच लीजिए कि हमारे आंसर सही है कि नहीं नहीं है यहाँ पर देख रहे हैं तो सोच लीजिए कुछ है कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है मतलब सोच लीजिए खाली अब बाकी जो बताएंगे तो आपको पता चली जाएगा सही है गलत है ये सब तो बच्चा बच्चा जानता है जी नहीं जी लेकिन बहुत बच्चा ऐसा भी होगा जो पहला बार भाई क्लास कर रहा होगा यही तो बात है आपको तो सबके लेके चलना पड़ेगा ना आइए तो होगी आपका कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन की ओर आइए हाँ संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव के लिए किसको आधार बनाया गया था सुनिए तीन सौ नवासी को बोला गया था सदस्य चुना जाएगा तो क्या इसके लिए बाबू के मताधिकार का प्रयोग किया गया था वयस्क मताधिकार मतलब होता है कि जो भी युवा लोग है वोट देंगे तो यहाँ वोटिंग का प्रयोग वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं किया गया था क्लियर है ठीक है ना यहाँ पर क्या किया था कि जो प्रांत में क्या बोले जो प्रांत था कई सरा प्रांत में जो संविधान सभा था उसके सदस्य क्या किए थे वोटिंग किए थे ठीक है ना मतलब यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग किया गया था व्यस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था और साथ ही अब क्या है कि जनसंख्या को आधार बनाया गया था और दस लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था दस लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था तो क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए किसको आधार बनाया गया व्यास के मत अधिकार बाबू नहीं जनसंख्या के आधार पर चुनाव जनसंख्या के आधार पर चुनाव किया गया था ठीक है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था तो क्वेश्चन डील कर चुके हैं तेरह दिसंबर उन्नीस सौ को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था अब बाईस जनवरी उन्नीस को ही पारित हुआ था आगे बढ़िए आइए जब संविधान सभा का बैठक देश के लिए आम कानून बनाने के लिए होता था तब अध्यक्षता कौन करते थे देखिए संविधान सभा का बैठक जानते हैं दोस्त दो रूप में हो रहा था क्या बोले देखिए जो संविधान सभा था ना इसका बैठक जो था दो रूप में हो रहा था एक संविधान बनाने के लिए किसके लिए संविधान बनाने के लिए क्या था आम कानून बनाने के लिए आम कानून बनाने के लिए तो आम कानून बनाने के लिए जब बैठक होता था तो गणेश वासुदेव मौलंकर जिनको बोलते हैं जीवी मावलंकर तो गणेश वासुदेव मौलंकर जो अध्यक्षता करते थे और जब संविधान बनाने के लिए होता था तो कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद करते थे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा जब संविधान सभा का बैठक देश के लिए आम कानून बनाने के लिए होता था तो आम मतलब क्या हो जाएगा गणेश वासुदेव मालंक गणेश वासुदेव मालंकर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िए स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था देखिए हमारा देश आजाद हो गया ठीक है ना अब आजादी के बाद क्या हुआ कि देश में क्या हुआ चुनाव हुआ तो चुनाव हुआ क्या देखिए आपको एकावन एक बावन में क्या बोले इक्यावन बावन में इक्कावन बावन इक्कावन बावन में कहा हमारा देश बहुत बड़ा है कई महीना में चुनाव होता है तो अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुआ फरवरी उन्नीस सौ बावन तक चला इसीलिए बोलेंगे कि भारत देश में में आम चुनाव कब तक हुआ तो क्या हो जाएगा मसौदा समिति बोले इसमें सात सदस्य अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को इसका स्थापना किया गया था मूल संविधान में अनुसूचित शहर कितना था आठ था वर्तमान में कितना है बारह है भारतीय संविधान का शिल्पकार वास्तुकार आर्किटेक्चर भारतीय संविधान का पिता आधुनिक मनु सब बोलते हैं भीमराव अम्बेदकर का क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में इनका बहुत ज्यादा क्या था योगदान था हम्म देखिए वो बोल पढ़ा रहे थे तो बोले थ्योरी क्लास नहीं होगा थ्योरी तो पढ़े ही है बाबू है ना जी आप देखिएगा तब ना दोस्त थ्योरी तो पढ़े लिखे है आइए संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां चुना गया था देखिए संयुक्त प्रांत मद्रास बिहार संयुक्त प्रांत मद्रास बिहार क्या हो जाएगा आपको संयुक्त प्रांत हो जाएगा भारतीय संविधान का अंतिम बैठक आयोजन हुआ था नहीं चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया था तो राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को आजादी के पहले ही अपनाया गया था आपको बाबू जुलाई महीना में क्या तारीख है जुलाई तो बाईस जुलाई उन्नीस सौ सैतालीस बाईस जुलाई उन्नीस सौ सैतालीस भारत में प्रथम स्व स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था अब देखिए यहां पर क्या है ऑप्शन सुन लीजिए पहले देखिए यहां पर क्या है पंद्रह अगस्त सौ सैतालीस क्या हो गया छब्बीस उन्नीस सौ तीस अब यहां पर कंफ्यूजन क्या हो गया देखिए हमने क्या देखिये उन्नीस सौ में बाबू क्या हाँ कांग्रेस एक संगठन था हमारे यहाँ जिसका लाहौर में अधिवेशन किया गया था और उसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थे और वहां पहला बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया और बोला गया कि अगला साल से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और पहला बार हमारे यहाँ स्वाधीनता दिवस छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ को छब्बीस जनवरी सौ को मनाया गया और तब से लेकर के देश के आजादी तक आपको छब्बीस जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाया गया लेकिन हमारा देश आजाद हुआ क्या पंद्रह अगस्त को 1947 को और उसके बाद तो फिर हम क्या किए कि 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं देखिए स्वाधीनता दिवस को इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसी को आजादी दिवस बोलते हैं इसी को आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं सबको मतलब क्या होता है तो पहला बार हम मनाए थे छब्बीस जनवरी सौ तीस को मनाए थे ठीक है ना आजादी मिला तब का मनाने लगे पंद्रह अगस्त बनाया अब देखिए जानते हैं यहाँ पंद्रह अगस्त भी है छब्बीस जनवरी भी है अब पूरा का पूरा जानते डिपेंड करता है किसको सही मान रहा है समझ में समझना अगर हमको बनाना रहेगा तो हम इसी के साथ जाएंगे

तरीके से क्या हुआ लागू हुआ तब से भारत क्या हो गया गणतंत्र बन गया गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो हेड होता है चुना हुआ व्यक्ति हमारा देश में हेड कौन होता है राष्ट्रपति देश का और चुना हुआ व्यक्ति होता है एक होता है राजतंत्र जहां पर क्या होता है राजा शासन चलता है जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं ब्रिटेन क्या हो गया राजतंत्र हो गया प्लस वहां लोकतंत्र भी है क्योंकि हाँ भाई वोटिंग भी होता है है ना प्रधानमंत्री सब या सांसद वगैरह चुनने के लिए तो वहां पर लोकतंत्र प्लस राजतंत्र है हमारे यहाँ लोकतंत्र प्लस क्या है गणतंत्र है मौलिक अधिकार संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए मौलिक अधिकार वाला समिति और अल्पसंख्यक समिति और प्रांत संविधान समिति ये तीनों के अध्यक्षता कौन किए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल किए हैं निम्नलिखित में से कहना चल गया किसने बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था तो सचदानंद सिन्हा क्या बोले सदानंद सिन्हा ने किसने कर... बिहार को तो बंगाल से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था सचदानंद सिन्हा इसलिए इनको बोलते हैं आधुनिक बिहार का जन्मदाता बोलते हैं या पिता बोलते हैं संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितना था अब सुनिए दोस्तों यहां पर क्या है देखिए यहां पर क्या कि संविधान सभा के लिए सदस्यों की कुल संख्या कितना आधारित किया गया था और जब पढ़िएगा ना तो पहले ही आ गया दूसरे सौ में। तब लेकिन क्या करेगा के निकल जाएगा यहाँ पर कितना आधारित किया गया था तो तीन सौ नवासी किया गया था कितना हो गया तब तो पूछेगा कि भारत की विभाजन के बाद संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितना रह गया था दो सौ निन्यानवे आगे बढ़ते हैं आदित्य राज जी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक रिकमेंड कर दे जितना पढ़ाते हैं ना इसको खाली पचाइए ज्यादा के फेरे मत रहिए ठीक है ना कई सारा बच्चा को देखते हैं कोर्स मिलता है सस्ता है ना हमरो भी ले लिया होकर लिया ऐसा जानते हैं कम से कम सौ को मैसेज हाल होगा कि सर फल सर का कोर्स ले ले हैं सर ये ले, ले की न ले ले अरे भाई कहीं एक जगह पढ़ी ही ना दोस्त हम पढ़ा रहे हैं हमारे ऊपर ट्रस्ट करके पढ़िए किसी और सर के यहाँ पढ़ रहे हैं उनको ऊपर ट्रस्ट करके पढ़िए क्योंकि देखिए सब तो ही ना पढ़ाएंगे जी अरे दो चार को फैक्ट है ना समझिए तो यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है अगर आपको पढ़ाया जाता है तो आपके पढ़ाने के पहले क्या है कि टीचर बहुत मेहनत करता है आप लोग क्वेश्चन देखिए हम लोग ग्रुप डी से ग्रुप ए तक ठीक है ना सिपाही से लेकर सी तक सारा क्वेश्चन देखते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो जरूरी होता है वो डाल देते हैं ये आपको जितना क्वेश्चन है उतना सब अलग अलग जगह पूछा ही गया है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ये नहीं पूछा गया है अब सब क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है समझ में ना इसी में थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह हम चेंज कर देते हैं कोई क्वेश्चन को फ भाषा में पूछा गया तो आसान बना देखिए आप लोग जिस लेवल में पूछ रहा है उससे हम दो तीन साल आगे रह रहे हैं समझ लगे ना चलिए तो ज्यादा किताब के फेरे मत रही बाबू हम जो नोट्स देते हैं वो पढ़िए और जो बुक दिए हैं वो पढ़िए है। उसका वीडियो देखिए इतना कर लीजिए आप दरोगा बन जाइएगा आइए भारतीय संविधान में कुल कितना समय लगा बनाने में बताइए दो वर्ष ग्यारह माह अठारह दिन एकमात्र देशी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ पहले समझ लीजिए देखिए संविधान सभा बनने के लिए हुआ ना तो तीन सौ नवासी को बोला गया सदस्य रहेगा जिसमें सदस से इसमें दो सौ छियानवे सदस्य आएगा ब्रिटिश प्रांत से और आपको तिरानवे होगा रियासत से है ना ऐसे ही दो सौ छियानवे से बोला गया कि दो तरह का प्रांत था एक था जहां गवर्नर जनरल या वायसराय होता था एक जहां कमिश्नर या आयुक्त होता था तो बोला कि दो सौ बानवे जो आएगा ये कहां से आएगा गवर्नर जनरल या वायसराय के प्रांत से और चार वो कहां से आएगा दोस्त आयुक्त के प्रांत से आएगा तिरानवे आएगा देशी रियासत से तो इसके लिए क्या होगा चुनाव होगा संविधान सभा जो रहेगा ना राज्य में सॉरी राज्य में जो प्रांतीय विधायिका रहेगा या प्रांति मंडल रहेगा वहां से क्या होगा चुनाव होगा तो से होगा चुनाव क्या होगा चुनाव मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा निर्वाचित तो क्या हो जाएगा निर्वाचित और यहाँ से क्या होगा दोस्त मनोनीत यहाँ से जो राजा है वहां के देशी रियासत जो राजा है वो किसी को मनोनीत कर सकता है तो यहाँ से हो जाएगा आपको मनोनीत हो जाएगा ठीक है तो शुरुआती में क्या हुआ कि देसी रियासत शामिल नहीं हुआ था फिर समझाया बुझाया गया तो सब शामिल हो गया और हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था ठीक ना तो हैदराबाद पर क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा आंसर अब एक और ध्यान रखना देखिए इसमें कि संविधान इस सभा के लिए जब चुनाव होना था ना तो ये तिरानवे के लिए तो चुनाव हो नहीं होगा कितना के लिए चुनाव होगा तब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता की दो सौ छियानवे के लिए चुनाव हुआ तो किस पार्टी को कितना कितना सीट मिला बाबू तो इसमें क्या है प्रमुख पार्टी क्या है कांग्रेस बाबू और एक क्या है मुस्लिम लीग दो को पार्टी और अन्य तो इसको कितना मिला दो सौ आठ गो ऐसे कितना तिहत्तर गो और अन्य जो था उसका पंद्रह कितना पंद्रह गो अब बोलिए आठ तीन ग्यारह आप पांच हो गया सोलह बाबू दो में छियानवे हो गया तो मतलब क्या कि आपको दो सौ आठ गो तिहत्तर गो पंद्रह कितना दो सौ छियानवे हो गया कोई दिक्कत चलिए हो जाएगा हैदराबाद

9 दिसंबर उन्नीसौ छियालीस को पहला बैठक हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि सजदानंद सिन्हा को अध्यक्ष लिया गया गया और उनके द्वारा उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया। उनका नाम था अमर अकबर एंथोनी अरे एंथोनी बोला था ना मतलब देखिए टेम्प्रोरी जो उपाध्यक्ष थे एंथोनी जी लेकिन बाद में क्या हुआ कि 11 दिसंबर का बैठक हुआ तो राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुना गया और एस एससी मुखर्जी जिनको बोलते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी उनको चुना गया परमानेंट अध्यक्ष तो ऑप्शन आइए इन संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था किनको ऑप्शन का सर क्या हो जाएगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी इन्हीं को बोलते मुखर्जी एच सी मुखर्जी कहा जाता है कैबिनेट के बारे में क्या सही नहीं है देखिए पहले खाली कैबिनेट के बारे में क्या है नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आता था आजकल क्या है बोलता है कौन सही नहीं है वन टू थ्री ऐसे करके क्वेश्चन आता है ठीक ना बोलते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बता दीजिए देखिए आपको दो सिलेक्शन लेना है ना तो चुपचाप क्या कीजिए पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा अगर सेवेंटी एटी परसेंट सिलेबस कवर नहीं है, है, है तो ऐसे भी कुछ होने वाला बाबू नहीं है वो दो महीना में निकलता है ना कि दो महीना में दरोगा ना? आएगा के वो आइएगा मास्टर का पैसा दीजिएगा वो मास्टर कमाता है और में तो बड़ी मेहनत करे पड़ता है, जी, नहीं। वो कराम माल, में है ना, ना विजन के, पहले पहले के लिए बच्चा ज्वाइन करता है और जो दो महीना पहले आता है भादु वाला बैंक ऐसा उसका नहीं होता है इसलिए आदित्य राज जी फोकस कीजिए सही जगह पर आइए यहाँ पर

मिशन ने मुस्लिम लीग के अलग संविधान सभा के मांग को स्वीकार कर लिया था नहीं बाबू बोला कि नहीं भारत के साथ रहना पड़ेगा तो क्या हो गया आपको गलती है क्या हो गया आपको गलती है भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन मार्च उन्नीस सौ में हुआ यह भी सही है तो यहां बोलता है कौन सही नहीं है तो यही वाला सही आपको नहीं है आंसर हो जाएगा सी आगे बढ़िए जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ लागू हुआ तो भारत क्या था देखिए इसमें क्या ना देखिए भारत एक संप्रभु संप्रभु मतलब हमारे ऊपर कोई और शक्ति नहीं है हम संप्रभु थे संपन्न के लोकतांत्रिक मतलब हमारे लोकतंत्र भी समझ ना और बाद में भारत का संविधान बाद में संशोधन किया गया तो वहां पर पंथ निरपेक्ष अखंडता पंथ निरपेक्ष को आप धर्म धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं सेकुलर ही बोल सकते हैं ठीक है, ना तो पंथ निरपेक्ष अखंडता ठीक ना और क्या बोले समाजवादी तीन शब्द बाद में जोड़ा गया।, तो गया है ऑप्शन को अनुसार आइए संप्रभु लोकतांत्रिक संप्रभु थे लोकतांत्रिक थे निरपेक्ष बाबू क्या छब्बीस जनवरी की बात करता नहीं धद्ध निरपेक्ष जानते बाबू कब जोड़ा गया है बयालवे संविधान उन्नीस सौ छिहत्तर में अभी बलि होगा नहीं होगा आइए राजतांत्रिक लोकतंत्र बाबू में भी सही हो सकता है लेकिन आप समझिए सही होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है हमारे यहाँ क्या गणतंत्र है तो हम क्या गणतांत्रिक लोक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र लोक बोल सकते हैं राजतांत्रिक लोकतंत्र या लोक लोक कहांग्लैंड में कहा है इंग्लैंड में इक, है आइए लोकतांत्रिक गणराज लोकतांत्रिक हम लोकतांत्रिक है गणराज में है भी सही है। लेकिन अब देखना है कि और कोई हो सकता है संपर्भु हवा है लोकतांत्रिक उस समय ठीक है तो असल ये भी सही है ये भी सही है लेकिन सबसे बेस्ट कौन है तो आपको डी के साथ जाना पड़ेगा ठीक है ना चलिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है बोलता है कौन सा सही नहीं है आइए दोस्त पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं सही है छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं सही है नवंबर को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था नहीं अंतिम बैठक तो चौबीस जनवरी को हुआ था ना जी चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को हुआ था ना छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास को संविधान लागू हुआ था आज संविधान दिवस मनाते हैं तो मतलब ये क्या हो गया आपको सही नहीं है यही हो जाएगा आपका आंसर आगे बढ़िए राज के लिए अनिवार्य शर्त क्या क्या है देखिए राज्य के लिए क्या है ना कि उसके पास क्षेत्रफल होना चाहिए और क्षेत्रफल में कोई जनसंख्या होना चाहिए और जनसंख्या को चलाने के लिए एक सरकार होना चाहिए प्लस क्या वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए मतलब वो संप्रभु होना चाहिए उसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो ये बाबू क्या है संप्रभुता भी क्या होगा अनिवार्य कंपोनेंट होगा तो डी क्या हो जाए इनमें से सभी इनमें से सभी हो जाएगा ठीक है ना संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बाबू बता दीजिए सजा सिन्हा संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का चुनाव शुरू में कहा से हुआ था अब सुनिए दोस्त जैसे ई क्या था आपको भारत था एने आज के समय में बांग्लादेश है एने क्या है पाकिस्तान है पहले ये भी पाकिस्तान भी पाकिस्तान, था। तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान था ये पश्चिम है तो पश्चिम पाकिस्तान पूर्व है तो पूर्वी पाकिस्तान था ठीक है तो शुरुआत में क्या हुआ कि भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव पूर्वी बंगाल से हुआ था अब पूर्वी बंगाल बाद में क्या बन गया पूर्वी पाकिस्तान बन गया तो उनका फिर चुनाव कहां से हुआ महाराष्ट्र से कहां से महाराष्ट्र के पुना संसदीय क्षेत्र से उनका फिर चुनाव हुआ था यहां पूछता है कि शुरुआत में उनका चुनाव कहां से हुआ था बताइए कहां से पूर्वी बंगाल से अब बाद में कहा महाराष्ट्र कोई दिक्कत तो बोलिए संविधान सभा भीमराव आम्बेडकर का चुनाव शुरू में बोलता है तो शुरू में कहां से कहा से बंगाल से भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था तो देखिए दोस्त यहां पर आपको बताया गया था सुन लीजिए पहले आप जानते हैं ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा ना पहले यहां पर आइए देखिए हम बताए थे कि सबसे पहले क्या पंचानवे में बाल बालगहा तिलक ने संविधान सभा का पहली बार मांग रखा था लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है फिर क्या बोले उन्नीस में एम एन कऊ एम एन राय व्यक्ति के तौर पर पूछेगा तो एम एन एम एन रॉय ने मांग रखा था मानवेंद्र नाथ या राय या मानवेंद्र नारायण राय ने मांग रखा था उन्नीस सौ चौतीस में ठीक है ना पार्टी के रूप में पूछेगा तो बाबू कौन स्वराज कौन बाबू स्वराज पार्टी ने अब देखिए ये कई बुक में उन्नीस सौ चौबीस उन्नीस सौ चौतीस में देखिये यूपीएससी में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने रखा और वहां पर क्या था ऑप्शन में कि स्वराज पार्टी उन्नीसो चौतीस यही आंसर था और वही वाले क्वेश्चन डाला गया वही वाले क्वेश्चन पर बाबू डाला गया तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बोलिए स्वराज पटे सौ चौतीस ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्त स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया तभी कुछ पहले बताया ना कि एम ए नारायण ने क्या किया था आपको विचार प्रस्तुत किया था सो चौतीस में ऐसे बाल गढ़ तिलक लग... अगर यहाँ पर ऑप्शन है तिलक रहता तो उनके साथ जाना होता लेकिन लेक। वही है तो क्या बनाना पड़ेगा निर्मात किया था एमिन अच्छा लेक्चर जब पढ़ा रहे थे ना तो वहां स्वतंत्रता के बाद बोला गया था ठीक है ना तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा भारतीय संविधान सभा कुल कितनी महिला थी बाबू रिपीटेशन हो जरा नहीं हाँ अब आइए पहले इस तरह क्वेश्चन नहीं आता था लेकिन आजकल क्या है सुनिए क्या बोले किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी अब कांग्रेस भारत था तो सुनिए जैसे क्या था कि पहले इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आता था लेकिन वर्तमान में क्या है कि संविधान सभा कांग्रेस कहा था ठीक है ना इसमें जानते हैं हमारा काम करता है इटली की बात करते हैं इटली क्या था जब भारत आजाद हो रहा था ना आजाद हो रहा था उस समय क्या था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जब द्वितीय विशुद्ध शुरू हुआ था प्रधानमंत्री नहीं थे ध्यान रखना है जब द्वितीय शुरू हुआ नुस 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 में तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बाबू जब इस्तीफा दे दिए तब कौन बने बिस्टन चर्चिल और जब भारत आजाद हो रहा था तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये पॉइंट को लिख लीजिएगा कि लिखा हुआ है लिख लीजिए लिखिए जल्दी आप लोग भी लिख लीजिए बाबू तीन क्वेश्चन पूछता है पहला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय युद्ध क्या बोले द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के समय द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के समय शुरुआत के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्त चैम्बर लिंथ है चैंबर लिंथ है पहला क्वेश्चन हो गया फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ हाँ। स्थिपा के बाद चैम्बर लिन के इस्तीफे के बाद इस्तीफे के बाद के बाद बाबू कौन बिस्टन चर्चिल विस्टन चर्चिल चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे लेकिन आप सुनिएगा अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे ऑप्शन में चैंबर नहीं रहेगा तो क्या बनाना पड़ेगा ब्रिटेन चर्चिल बनाना पड़ेगा लिख लीजिए और अगला लिख लीजिएगा भारत के आजादी के समय भारत के आजादी के समय भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे हाँ इलिमेंट एटली, ऐसे याद कीजिए ए एटली, एस इंडिपेंडेंस ए एटली, एस ए इंडिपेंडेंस बोलिए जी मुन्ना जी क्या ध्यान दिया जाए बोलते हैं हम लोग लिखे आप लोग बराती में कि नहीं लिखिएगा <laughs> बफरिंग हो रहा रितीश जी हमारे यहाँ तो टन चल रहा है वैसा स्पीड है एकदम बफरिंगे नहीं करेगा आपके यहाँ से दिक्कत होगा लिजू कुमारी अच्छा समझ में आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया बात आदित्य राज जी बात करना है तो यहाँ कॉल करके नंबर ले लीजिएगा अपना नंबर लगा लीजिएगा दो तीन दिन के बाद नंबर आ जाएगा एक सप्ताह के अंदर में आ जाएगा केंद्रीय मंत्री कितनी बार शपथ लेते हैं क्या एमपी और फिर मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं दोनों शपथ अलग अलग रूप में लिया जाता है संसद बताएंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा मसाला मत बनाइए सबके है ना वहाँ बताएंगे साउंड में समस्या है ऐसा कीजिए तो ऑफिस में कोई है बाबू वहाँ से जाइए नया बैटरी लेके चलाइएगा तो आवाज में समस्या लग रहा है कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग है समझ में आ रहा सबको बाबू ना आप लोग नया बच्चा है इंटर पास किए हैं ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप लोग सेकंड ईयर चल रहा है ठीक है क्योंकि देखिए क्लास पहले हो चुका है समझिए कि दोबारा खाली रिवीजन करवा रहे हैं चलिए अगला टॉपिक कौन होगा पहले पढ़ा लेते हैं तब बात करेंगे अगला होगा भारतीय संविधान की विशेषता पहले सुन लीजिए आइए ये। ये ना अब चलिए ये हो गया अब आइए निम्नलिखित तो में किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है अरे संविधान वो किताब है डॉक्यूमेंट है तो बेजाना चीज ना जी बेजान चीज इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं वे लोग जान डालते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की जरूरत है जिनके लिए राष्ट्रित सर्वोपरि है ये कौन कहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे ऐसे पूरा स्टेटमेंट याद करने की आवश्यकता नहीं याद कर लीजिएगा संविधान बेजान चीज है इसमें शक्ति वो लोग फूकते हैं जो इसको चलाते हैं ये कौन कहे थे राजेंद्र प्रसाद बस हो गया काम खत्म आइए ये भी याद रखिएगा अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं को महत्व नहीं दिया मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि अल्पसंख्यक क्योंकि हिंदू का वर्चस्व है कांग्रेसियों का वर्चस्व है तो अल्पसंख्यक के हित को ध्यान नहीं दिया गया ये आलोचना कौन करते बाबू आइबर जेनिक्स कौन आइबर जेनिक्स देखिए ये रटने वाला है पूरा रटिएगा इसमें कोई पाए नहीं तीनों स्टेटमेंट याद अभी नहीं पूछा गया आप लोग एग्जाम में लेकिन हमको लग रहा है है कि इसका टारगेट बन सकता अगला बार आगे चलिए हाँ देखिए भारत को आजाद करवाने के लिए एक कांग्रेस संगठन था जो बहुत प्रयास किया भारत क्या हुआ आजाद हुआ अब क्या हुआ कि जब आजाद हो गया तो महात्मा गांधी का नाम क्या था कि अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी से खड़ा होगा तो जनता तो बहुत क्या है है ना जनता तो भोला भाला है वो उसके नाम पर क्या करेगा वोट देगा भाई आजाद करवाया है तो 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 का नाम क्या था कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ताकि इसका राजनीतिक फायदा किसी को ना पहुंचे ठीक है ना फिर से नया पार्टी बने अपना चुनाव लड़िए तो ये बात कौन कहे महात्मा गांधी आई क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए कौन बाबू महात्मा गांधी ने यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी जयप्रकाश नारायण के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री बताया जाएगा फिलहाल ही जानिए बात छोड़ा आंदोलन जो उन्नीस सौ बयालीस में हुआ था उस दौरान क्या है आजाद दस्ता के गठन के लिए जाने जाते हैं इनका पत्नी का नाम था प्रभावती देवी फिलहाल इतना ही याद कीजिए बाकी और बताएंगे और ये जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे आगे चलिए सी राजगोपाल चारी श्री राजगोपाल चारी से बारे में क्या जाना है ना कि भारत रत्न की बात करते हैं पहला बार जब भारत रत्न उन्नीस सौ चौवन में दिया गया था तीन व्यक्ति को एक सी राजगोपाल चारी थे एक सौ परिराधा कृष्ण थे और एक था बाबू सी उसमें रमन उसमें आपको ये भी शामिल थे आगे चलिएगा आचार जेबी पाने से याद रखना कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन करे आचार्य आचार्य कोई दिक्कत चलिए आइए संविधान सभा में व्यस्त के मताधिकार पंद्रह वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था तो मौलाना आजाद एक है वो अब्दुल कलाम आजाद एक, अबुल। एक है अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद अगर पूछेगा तो ये है कौन आपको मैन जो कि भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति इनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं अब्दुल कलाम क्या वो अबुल कलाम है? आजाद की चर्चा कर रहे हैं तो अब्दुल कलाम आजाद क्या था कि जनता उतना शिक्षित नहीं है जितना उतना जागरूकता नहीं है तो चुनाव होगा ना तो वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनका कहा नाम था लेकिन बाद में क्या हो गया जवाहर नेहरू राजेंद्र प्रसाद वकालत किया नहीं होना चाहिए तो हमारे क्या हुआ वयस्क मताधिकार अब वयस्क मताधिकार में क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब होता है जितना भी वयस्क लोग है सब क्या करेगा वोट देगा जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार देखिए बताया था कि सबसे पहले याद क्या करना है देखिए हमारे देश में क्या है कि आपको याद करना है ऐसे कि अठारह सौ तिरपन का एक्ट आया था अठारह सौ तिरपन का एक्ट अठारह सौ तिरपन तो तो का क्या करना था दोस्त कि यहाँ दे। पर देखिए एक्स्ट्रा बता रही इसमें नहीं बताया है ठीक है ना यहाँ बता देंगे तो सौ तिरपन के एक्ट में क्या था क्या हमारे यहाँ आपको बोल सकते हैं केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था केंद्रीय विधानसभा का पहला बार गठन किया गया और अठारह का जब एक्ट आया तो यहाँ पर क्या हुआ विधान परिषद का गठन किया गया अठारह में हमारे क्या हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ और फिर क्या बोला उन्नीस सौ नौ में क्या हुआ हमारे यहाँ मुस्लिमों को अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया और उन्नीस सौ उन्नीस में क्या हुआ कि मुस्लिम के अलावा और को भी सिख को भी आंग्ल भारतीयों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया प्लस क्या कि यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत हुआ प्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत हुआ प्रत्य चुनाव अठारह सौ बानवे उन्नीस सौ उन्नीस में, में प्रत्यय चुनाव का फिर समझिए कि समझिएस का अधिनियम है मतलब मताधिकार का प्रयोग तो बहुत सारा को दिया गया लेकिन 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 माता सॉरी मताधिकार जो दिया गया वो संपत्ति है तो दीजिएगा पढ़ा लिखा तो दीजिएगा मतलब सब सबके लिए मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया उन्नीस सौ पैंतीस के अधिनियम के तहत क्या था है। इसका लिमिटेशन था जबकि हमारा देश आजाद हुआ तो पहला बार इक्यावन बावन में चुनाव हुआ तो यहाँ पर सार्वभौमिक व्यय मताधिकार का प्रयोग किया गया उस समय वोट देने का उम्र कितना था कि साल से सा जो भी ऊपर करेगा सबको क्या करेगा वोट देगा हालांकि बाद में संविधान में संशोधन किया गया एकसठवा नंबर के संशोधन बाबू उन्नीस सौ अठासी नवासी में ठीक ना और इसके तहत प्रावधान किया गया कि किस कितना अठारह कितना अठारह तो वर्तमान में हमारा वयस्क मताधिकार कितना इसके लिए होता है अठारह संविधान लागू होने के समय कितना कई इस था इसको ध्यान रखेगा बाकी रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम क्या करेंगे बाबू चर्चा करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन क्या था दोस्त कि किसने कहा था कि व्यास के मताधिकार को पंद्रह साल के लिए होल्ड पर रख दिया जाना चाहिए कौन बाबू बोलाना आजाद अबुल कलाम आजाद जबकि आपका ई ये सब किए पुजार वकालत किए थे ठीक ना ये भी वकालत किए थे आगे चलिए आइए वही क्वेश्चन दोबारा हो गया दोस्त भारत का संविधान अब देखिए जानते हैं, को जानते हैं। दो बार पूछा गया एक संविधान अधिनियमित कब हुआ तो हमने क्या किया दोनों को मर्ज कर दिया कि भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ देखिए नवंबर को बाबू हुआ था 26 नवंबर उन्नीस सौ उनचास को भारत संविधान पहला बार लागू किया गया इसी दिन कहा जाता है कि भारत संविधान अंगीकृत किया गया और अधिनियमित हुआ जबकि अगर ये स्टेटमेंट देगा कि भारत सदन कब लागू हुआ कब लागू हुआ तो लागू पूछेगा तो लागू क्या करना छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को छब्बीस उन्नीसो पचास को, को पूछेगा कि भारत सदन कब आंशिक तौर पर लागू हुआ कब तो पूरी तरीके से लागू हुआ और खाली लागू पूछेगा तो वहां आंसर यही देता है तो इसके साथ पे जाइएगा तो आइए यहां आंसर क्या हो जाएगा कब अंगीकृत अधिनियमित हुआ दोस्त छब्बीस नव सौ उनचास तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िए भारतीय संविधान को 26 नवंबर उन्नीस को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया अपनाया गया किसके द्वारा देखिए हमारा संविधान सभा द्वारा तो संविधान का निर्माण किया जाता है तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया जाएगा ना तो ये भी स्टेटमेंट है किसके द्वारा तो किसके द्वारा वो संविधान सभा द्वारा आंसर क्या हो जाएगा संविधान सभा द्वारा ठीक है संविधान सभा के केमे अधिवेशन में छब्बीस नवंबर उन्नीस को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया सुन लीजिए इस क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है हमारा संविधान बन रहा था ना इसमें टोटल ग्यारह गो सेशन बैठक कई गो हुआ है हम सेशन की बात करते हैं टोटल कितना हुआ है ग्यारह गो सेशन हुआ कितना ग्यारह गो सेशन हुआ ग्यारहवा सेशन जो था बाबू बोल सकते हैं कि जो छब्बीस नवंबर उन्नीसो को संविधान लागू हुआ वो क्या था कोई ग्यारहवासन था तो मतलब ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा के में सत्र या अधिवेशन या सेशन में छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ को संविधान सभा संविधान को अपनाया गया तो क्या हो जाएगा दोस्त ए ग्रामा क्या हो जाएगा एक ग्राहमा लेकिन आप समझिए एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान निर्माण के दौरान टोटल कितना सेशन किया गया संविधान निर्माण के दौरान टोटल कितना सेशन किया गया आप सुनिए ऐसा तो आंसर ग्यारह होगा लेकिन वहां ऑप्शन वगैरह है यह नहीं था तो सबसे जो नजदीक वाला होगा उससे तुम्हें क्या करना होगा जाना होगा तो सबसे नजदीक जो था वो क्या था आपको ऑप्शन क्या था बारह था तो किसान जाएंगे बारह के साथ जाएंगे लेकिन इसका मतलब बारह आंसर नहीं अगर ग्यारह ऑप्शन है तो ग्यारह के साथ ही जाना है ठीक है ना चलिए आइए संविधान को छब्बीस जनवरी के दिन को लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि समझ लीजिए बोलता है कि भारतीय संविधान को छब्बीस जनवरी को ही क्यों लागू किया गया है क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही है तो सुनिए हमारा भारत के अगर संविधान की बात करते हैं तो बाबू क्या हुआ कि छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ लागू कर दिया गया अब कोई डेट को ही पूरी तरह से लागू किया जा सकता था अब यहाँ पर चुना कहा गया छब्बीस जनवरी तो इसके पीछे रीजन क्या था देखिए हमारा देश जानते हैं बाउ क्या है पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को क्या हो गया आजाद हो गया अब हमने क्या कि पंद्रह अगस्त को स्वाधीनता दिवस या आजादी दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाने का निर्णय लिया लेकिन पहले से हम कब मना रहे थे छब्बीस जनवरी को मना रहे थे तो हमने सोचा कि एक तो हो गया तो भुला जाएगा इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हमने कहा बोला कि नहीं हम हाँ अपना संविधान को कब लागू करेंगे छब्बीस जनवरी को ताकि इसको याद यादगार बनाया जा सके तो क्या हो जाएगा आइए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था यही आंसर हो जाएगा पुन ये तो होगा नहीं इस तिथि को उन्नीस सौ बयालीस में भारत छोड़ा आंदोलन पर आज किया गया नहीं भारत छोड़ा आंदोलन की बात करते इसको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे आठ अगस्त क्या बोले आठ अगस्त उन्नीस सौ बयालीस क्या हुआ शुरू हुआ था और नौ अगस्त को सब नेता गिरफ्तार कर लिया गया नौ अगस्त शुरू होने के पहले है। तो आठ अगस्त उन्नीस पहले इसको भारत छोड़ा आंदोलन शुरू हुआ था आइए भारत का संविधान इस स्थिति को अपनाया गया देखिए यहां पर जानते हैं आपको क्या है 26 नवंबर भी है सुनिए ऐसा क्वेश्चन जानते हैं अब क्या होता है क्या है? इतना टफ टाइप का क्वेश्चन देता नहीं ये हम जान के सेट किए हैं देखिये क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको जो पहला बार बोलेगा ना उसके साथ चल जाइएगा क्योंकि कई बार नहीं दोनों को कीजिएगा ना तो गड़वा जाता है तो होता क्या है देखिए पहला बार जो आपको दिमाग में है ना उसी से क्योंकि देखिए यहाँ पर छब्बीस सौ पचास भी है तो पहला बार दिमाग में ही आएगा तो इसके साथ ही जाना है ठीक है ना अब देखिए एग्जामिनर चाहे तो इसको भी मान सकता है क्यों क्योंकि पहला बार तो उस तरह से प्रभाव अपनाए थे लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरीके से बात करते हैं कि भारतीय संविधान किस स्थिति को अपनाया गया तो क्या आंसर होगा छब्बीस जनवरी लेकिन कई बार क्या है एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है है कि एग्जाम जो जो ले रहा जो भी संस्था क्या आंसर मानता है चाहे तो इसको रद्द भी कर सकता है चाहे तो जो बोल दिया वही सही हो जाएगा ठीक है ना लेकिन हमारे आंसर क्या जाइएगा इसके साथ जाइएगा ठीक है ना चलिए भारत का संविधान कब लागू हुआ बताइए बाबू छब्बीस पचास भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया ऐसे प्रारूप समिति का काम था भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना लेकिन सबसे पहले प्रारूप समिति का जो सबसे पहले जो प्रारूप तैयार किया गया बी एन राव बेनेगल नरसिम्हा राव बेनगिल नरसिम्हा राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे बी एन राव यहां बी एन राव है नहीं है यहाँ पर देखिए क्या है बेनेगल राव राव एक है ठीक ना तो क्या हो जाएगा आप पीवी नरसिम्हा राव आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको भारत दिया गया है उन्नीस सौ इक्यानवे में हमारे एल पी जी सुधार हुआ था हुआ था ना उस समय यही क्या थे प्रधानमंत्री आपको इकोनॉमिक्स में इनके बारे में चर्चा करेंगे गौतम कुमार जिसका पीडीएफ पी डी आपका बाबू मिलेगा आपका बाबू अपलोड है एक सेक्शन बना हुआ टेस्ट करके, ठीक ना वहां, वहां पर जाइएगा उसे ओपन कीजिएगा होगा होगा देखना पड़ेगा नहीं होगा तो अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा दस सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल पर अभी एक दो को सबके देंगे है ना जी लीजिए अरे कहने का मतलब है मछली नहीं होता है पकड़ा जाता है देखो पहले देता है तो ना पकड़ तो कहने का सब मतलब जी क्या है कि देने का मतलब क्या होता ना कि आप देखिए कि हम कैसे पढ़ाएंगे हम क्या मटेरियल आपको देंगे अगर लगता है कि हमसे जुड़ने में आपको बेनिफिट है तो जुड़िए इसलिए सब दिया जाता है ठीक है ना आप फ्री में तो सब्जी नहीं किया जा सकता है आप पेट का सवाल है है ना जी आपको नौकरी लग जाएगा फ्री में काम कीजिएगा है ना जी तो वही बात यहाँ पर है <laughs> भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सुधारा पारित किया गया जानते हैं एक क्वेश्चन जानते हैं पहले समझ में नहीं आएगा क्या बोलता है कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सौ द्वारा पारित किया गया अब सुनिए अब आपको मान ली नहीं पता चल रहा है आपको देखना होता है कि क्या हम ऐसे कुछ ऑप्शन में पढ़े हैं तो सुनिए हम पढ़े कि जी बाई चला गया बाईस जनवरी सौ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं नहीं पता है नहीं पता है लेकिन बाज इस सब के बारे में कुछ हम चर्चा किए कभी नहीं किया तो जब देखिए होता क्या ना कई बार क्या है क्या आप हु क्वेश्चन नहीं पढ़े रहिएगा क्वेश्चन नहीं पढ़े रहिएगा लेकिन वहां पर देखना है कोई चीज फेमिलियर लग रहा है क्या उससे हम परिचित अगर परिचित है तो उसके साथ ही आपको जाना चाहिए तो यहाँ अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आपको जाना चाहिए क्या चाहिए बाईस जनवरी उन्नीस सौ सैतालीस क्योंकि जि उदेश प्रस्ताव लाया गया था वही समय क्या है कि आप वही पारित हुआ था बाईस उन्नीस सौ सैतालीस को यही उसको अलग स्टेटमेंट में दे दिया है कि भारत को तो एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया बाईस जन उन्नीस सौ सैतालीस को आगे चलिए पूछा है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था देखिए ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है ठीक ना तो सुनिए क्या हो क्या है कि हम बोले क्या पहला जो टोटल से सेशन किया गया पहला सेशन ही चल रहा था 13 दिसंबर को 13 दिसंबर सौ को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और यही 22 जनवरी उन्नीस को पारित हुआ था लेकिन यह पहला सेशन का क्या था पांचवा बैठक था पहला सेशन का पांचवा बैठक था यहाँ क्या बैठक हो जाए बोलिए यही हो जाएगा तो मतलब क्या बाबू कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक तो सुनिए दोस्त चाहे पहला बैठक पूछे चाहे पहला सेशन पूछे पहला बैठक या पहला सेशन सब होगा नौ दिसंबर सौ छियालीस नौ सौ छियालीस तो संविधान भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो बताइए नौ दिसंबर सौ छियालीस आगे बढ़िएगा तुम हो गया अच्छा है क्वेश्चन नंबर वन देखते रहिए नहीं कि किने वाले छूट जाए यू देखिएगा भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पहला बैठक प्रथम अधिवेशन पहला सेशन पहला सत्र सबका मतलब हो जाएगा 9 दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस हो जाएगा आइए आ गया बाबू फिर से संविधान सभा के प्रथम मनोनीत प्रथम बाबू मनोनीत उप सभापति इसी को उपाध्यक्ष बोल सकता है ठीक, न? ठीक, न? ठीक है ना देखिए प्रथम टेम्परिरी अध्यक्ष चुना गया नौ दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को सदानंद सिन्हा को आ उन्होंने क्या किया एक व्यक्ति को मनोनीत किया चुनाव ने मनोनीत किया गया है और उसका नाम है फ्रैंक एंथोनी अमर अकबर एंथोनी एक सिनेमा है एंथोनी याद रखिएगा यहाँ क्या हो गया फ्रेंक एंथोनी को चुना गया अब बाद में क्या हुआ कि फिर ग्यारह दिसंबर को बैठक हुआ तो परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और आपको एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया ठीक है ना वही हो जाएगा तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा वो प्रथम मनोनीत उपसभापति अब देखिए यहाँ पर क्या है एच सी मुखर्जी भी और फ्रैंक एथोनी भी ध्यान रखना है दोनों है तो खाली प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा ना ठीक है ना यहाँ पर मनोनीत पूछ तो मनोनीत अगर शब्द का इस्तेमाल करेगा तो इनके साथ जाना है अगर निर्वाचित पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपको एच सी मुखर्जी एच सी मुखर्जी स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मतलब जब भारत आजाद हो गया तो संविधान सभा के अध्यक्ष किनको बनाया गया देखिए सुन लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब ग्यारह दिसंबर उन्नीस सौ को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया तो परमानेंट मतलब परमानेंट जब तक बैठक होगा तब तक यही अध्यक्षता करेंगे नहीं रहेंगे तो कोई उपाध्यक्ष करेगा तो आजाद हो गया भारत अध्यक्ष तो ही नहीं रहेंगे जी तो मतलब कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आइए बढ़िया भारत की संविधान निर्मात सभा के अध्यक्ष कौन थे सुनिए भारत के संविधान निर्मात सभा संविधान निर्मात सभा मतलब संविधान सभा समझ रहा है संविधान निर्मात सभा संविधान का निर्माण करने वाली सभा तो संविधान का निर्माण करने वाली सभा कौन था संविधान सभा प्रारूप समिति नहीं बबुआ कौन तो बोले हैं गवा जा रहा है संविधान निर्मात सभा मतलब संविधान निर्माण करने वाली सभा और कौन है संविधान सभा तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है बताइए आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है ना चलिए यहाँ आइए बाबू संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष हम मानोनीत नहीं पूछ रहे हैं यहाँ क्या पूछ रहे चुने हुए अस्थाई। तो चुना हुआ अस्थाई देखिए यहाँ चुना फुना छोड़ दीजिए यहाँ अस्थाई देखना है परमानेंट परमानेंट कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देंगे आई तो टेम्पोरित थे बाबू ना आइए अब यहाँ पर बाबू संविधान सभा की प्रथम बैठक इसी को बोलते उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया प्रथम बैठक पूछे उद्घाटन पूछे अरे पहला बार अध्यक्ष कौन थे सजदानंद सिन्हा तो ही ना करेंगे तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सजदानंद सिन्हा सजानंद सिन्हा हो जाएगा आइए भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ये क्वेश्चन अच्छा। भारतीय इतिहास के सदन प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य अच्छा प्रांत से संविधान सदस्य चुनाव हुआ था मतलब निर्वाचन हुआ था ना जबकि जो देशी रियासत वहां से क्या मनोनीत हुआ था निर्वाचन का मतलब होता है कि चुनाव में खड़ा होगा वोट होगा जीतेगा ठीक है ना चाहे जैसे निर्वाचित हो और अगला क्या तो मतलब क्या है कि बस किसी को बना दो किसी को बना दो चाहिए उन प्रांत के लोगों द्वारा सीधा चुना गया वो नहीं लोगों द्वारा सीधा चुना गया थोड़ी है राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम द्वारा नामित किया गया नहीं प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचन प्रांतीय प्रांत का जो विधानसभा था उसके द्वारा निर्वाचित किया गया था तो आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर ठीक है ना चलिए खत्म कि आइए क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को बोलता है कि भारत के संविधान के जो प्रारूप मतलब प्राप्त मतलब प्रारूप मतलब क्या ड्राफ्ट ड्राफ्ट तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया ये हम कभी बोले हैं नहीं गवर्नर जनरल नामित किया गया बोले हैं नहीं विभिन्न प्रांतों के विधानसभा चुना गया ये लग रहा है है ना आगे पढ़िए भारतीय राष्ट्रीय कानून सब मुस्लिम द्वारा नहीं यहाँ क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइए बड़का क्वेश्चन है जानते हैं क्या होता है दोस्त एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन लेकर देखता है? ना तो माथा था, था कि बाप रे बाप पढ़वे ने किए हैं बड़ा क्वेश्चन लगता है देखिए बड़ा क्वेश्चन जैसे दिया ना आप मान के चलिए वो सही हो जाएगा बड़ा क्वेश्चन सही होने की ज्यादा आपको रहता है चाहे वन टू वन टू ना उसमें भी वो गलत छट लीजिएगा ना तो क्या होता है बन जाता है तो इसलिए बड़ा क्वेश्चन है तो हड़बार नहीं है ठीक ना आइए निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है गलत छटना है क्या करना सही नहीं क्या वो गलत आइए इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद मतलब से काम किया उनमें से समिति सबसे महत्वपूर्ण सही लग लग रहा रहा है है संविधान बनाने के दौरान कई का गठन किया गया और उसमें बहुत महत्वपूर्ण था ये सही लग रहा है सही लग रहा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया देखिए भारत के संविधान बनने के दौरान यह प्रयास किया गया कि सबको पर्याप्त रूप से अवसर दिया जाए अपना प्रतिनिध्व तो भेजने का तो सबको पर्याप्त दिया गया यह भी सही लग रहा है देखिए जानिए जनरल टाइप का स्टेटमेंट जब रहता है ना एग्जाम में तो सही रहता है जो बढ़िया टाइप लग रहा है ना लग रहेगा सही रहेगा तो इसलिए ये सब सही लग रहा है आगे चलिएगा इसका निर्वाचन सर्वौम व्यस्क मताधिकार सर्वभौम व्यस्क मताधिकार को क्या बोलते हैं बाबू कि सब मिल करके वोट देकर चुना था हम क्या बोले कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के यहाँ पढ़ोगे नहीं किया गया तो बोले गलती पकड़ा पकड़ा गया गया जी ये तो गलती और पढ़िए इसकी चुनाव प्रक्रिया पैंतीस के अधिनियम के अनुसूची पर आधारित थी ये हमको पता नहीं है पता है नहीं पता लेकिन बढ़िए कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित है मान ली के बोले पता नहीं लगी ये तो पता है ना कि मताधिकार सीमित था ठीक है ना और आपको देखिए क्या मोटा मोटी देखिए क्या है इसके बारे में बता चुके हैं पहले कि सीमित आई दिनों जनरल स्टेटमेंट लग रहा है ठीक है ना तो ये हमको कैसे जानना पड़ेगा इसके ये तो ऐसे पकड़ा गया लेकिन अगर मान लेते कि इसमें भी कुछ ऐसा रहा था जो हमको पता नहीं है तब फिर क्या है अपना अपना भगवान का नाम लीजिए है ना कोई बजरंग बली कोई अल्लाह अकबर है ना कोई वाहे गुरु और फिर जे बुझा जे रंग निम्नलिखित में से हाँ अब देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आजकल ऐसा क्वेश्चन दरोगा में आना शुरू हो गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान समिध्हा, संविधान सभा के विषय में सत्य है यह व्यास था बाबू पकड़ा गया जैसी यहाँ एक पकड़ाया ना ते आना हाँ एक होगा आंसर ये होगा आंसर तम दुगो आप फिफ्टी फिफ्टी आ गया नहीं हो पकड़ाएगा ती दोनों में से कोई बना के चलाइए है ना आप पढ़िए प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था प्रत्यक्ष किया प्रत्यक्ष जी प्रत्यक्ष ना प्रत्यक्ष मतलब जनता डायरेक्ट वोट दे रहा जनता डायरेक्ट वोट दिया था नहीं भी गलती पकड़ा गया आइए पकड़िए बाबू जल्दी से दो पकड़ा गया काम खत्म क्या है तीन और चार समझे ना मतलब गलती पकड़ा गया तो ऐसे सामना हो जाता सही होने का बाकी तो देखिए वह यह बहुदलीय निकाय था मतलब कई दल के लोग इसमें शामिल थे संविधान सभा में सही है अनेक समिति के माध्यम से कार्य किया सही है तो तीन और चार क्या हो गया आपको सही ऐसा क्वेश्चन में आप गलती पकड़िएगा तभी क्वेश्चन बनेगा आइए सुनिए बोलता है अंतरिम प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किया गया था घोषणा सुनिए बताते इसका मतलब क्या क्वेश्चन पूछने का ये क्वेश्चन क्या है अभी तक नहीं पूछा गया है ठीक ना लेकिन हम खरखाही में डाल दिए हैं सर खाई मतलब होता है कि भविष्य के लिए आपको तैयार कर रहे हैं ना तो सुनिए बेसिकली क्या है ना कि देखिए कैबिनेट भारत है मार्च में जुलाई में चुनाव करवाया तो चुनाव करे तब से समझान बनेगा ना तब बोला कि तब तक टेम्पोरी का किया कर दिया जाए समझे शादी हुआ छेका छेकी हो गया तो छेका छे क्यों होता है जैसे आप लोग के भाषा में कुछ बच्चा छेका छे को नहीं देखिए कई जगह से बच्चा जुड़ा रहता है लोकल लैंग्वेज नहीं समझता है इंगेजमेंट होता है ना पहना पे पहनी पे कर दीजिए रिंग सेरेमनी ताकि क्या है कि मोटा मोटी भाई बहनों ने भागना नहीं अब दोनों हो गया है ना अपने दोनों जा सकते लेकिन दूसरा में में मत रहना है ना बाद फाइनल शादी होता है तो सुनिए एक को बोलते हैं बाबू अंतिम अंतिम मतलब क्या हो गया फाइनल अंतिम मतलब क्या हो गया फाइनल हो गया एक होता है अंतरिम अंतरिम इसको बोलते हैं टेम्पोरि टेम्पोरि तो जो सगाई होता है वो हो गया टेम्प्रोरी हो गया जो टीका टिकोल हो गया वो क्या हो गया आपको फाइनल हो गया तब तो समझिए क्या हमारा संविधान बनेगा बाद में चुनाव होगा तो, तो सरकार बनेगा तब तो तब तो बोला बोला गया कि बोला गया बाबू कि क्या है एक सरकार बना दिया जाए और उसके लिए वो क्या है कि आपको चो, क्या बोले चौबीस अगस्त को चौबीस अगस्त उन्नीस को घोषणा किया गया घोषणा किया गया और दो सितंबर क्या बोले दो सितंबर उन्नीस सौ दो सितंबर छियालीस को क्या हुआ अंतरिम कैबिनेट का गठन कर दिया गया मतलब सगाई यहाँ पर हो गया ठीक ना देखिए ई वाला क्वेश्चन तो पूछने कम समाना है लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हमने पूछा ए वाला तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए चौबीस अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस उन्नीस सौ छियालीस चौबीस अगस्त क्या हो जाएगा छियालीस हो जाएगा आगे बढ़िए हाँ अच्छा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था बताइए हाँ तो क्या हो जाएगा बताइए दो सितंबर चल दो आगे बढ़िए अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है देखिए ये हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो अंतरिम सरकार में कौन क्या मंत्री थे पूरा बताया जाएगा लेकिन यहाँ जा ले पर मोटा मोटी जान लीजिए देखिये ये जो अंतरिम जो सरकार बना ना अंतरिम सरकार या पूछेगा कार्यकारिणी परिषद कार्यकारिणी परिषद वहां पर अध्यक्ष बनाया गया वायसराय को किसको वायसराय को उपाध्यक्ष बनाया गया प्रधानमंत्री को तो उपाध्यक्ष कौन बने पंडित जवाहरलाल नेहरू एक क्वेश्चन पूछा गया उपाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद में कौन बने थे उपाध्यक्ष कौन बने थे वायसराय बने थे प्रधानमंत्री कौन बन गए नेहरू जी बन गए और देखिए ये आपको श्रम मंत्री की बात करते हैं जगजीवन राम का नाम सुना होगा तो जगजीवन राम बने श्रम मंत्री और आपको हम कृषि मंत्री कौन बने उस समय राष्ट्रपति का पद बाबू नहीं आया था राष्ट्रपति का पद चौबीस जून उन्नीस पचास को आया ना क्या हो कि सरकार में कौन थे? में मंत्री बोलता है कि क्वेश्चन पूछा गया है, कि निम्नलिखित कौन अगस्त उन्नीस सौ छियालीस में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था आप देखिए जानते हैं दोस्त यहाँ पर अगस्त है ऐसा होना चाहिए सितंबर ना लेकिन आपको अगस्त ले तो उस पर फोकस नहीं करना फोकस इस पर करना बात करते हैं सी राजगोपाल चारी सी राजोपाल हाँ तो सी है ना और बात करते हैं क्या राजेंद्र प्रसाद तो हो गया खाद एवं कृषि मंत्री राम श्रम मंत्री और सी राजगोपाल राजगोपाली थे शिक्षा मंत्री देखिए ऐसे भारत आजाद हो जाएगा और तब जो मंत्रिमंडल बनेगा तो वहां पर क्या अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे तो बोलेंगे आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद लेकिन यहाँ पर क्या है तो क्या थे मंत्री? थे। बाकी के बारे में, कौन सदस्य नहीं थे एस राधा कृष्ण डॉक्टर स्वर्णपल्ली राधा कृष्ण आइए उन्नीस में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में

नहीं थे हो जाएगा आपका ए ठीक है आगे बढ़िए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया दस लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया आंसर क्या हो जाएगा दस लाख प्रति व्यक्ति ऑप्शन में खरखाई में भी डल जा सकता है दस लाख प्रति दो व्यक्ति क्या हो जाएगा दस लाख प्रति व्यक्ति आइए एक, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया देखिए अठारह सौ पंचानवे में बालगंध तिलक मांग किए फिर स्वराज पार्टी मांग किया फिर एम एन राय मांग किए फिर कांग्रेस पार्टी मांग किया फिर अगस्त प्रस्ताव जब आया उन्नीस सौ चालीस में ना तो वहां बोला कि हाँ आपके लिए एक संविधान सभा होगा

में आया था आइए अब बोलता है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में विचार कीजिए तो पहले समझिए में समझिएटन सब यही क्यों चीज बोलता है कि भारत को मिलेगा क्यों चीज डोमियन क्या मिलेगा डोमिन जब चुनाव हो जाए जब द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगा तो भारत में क्या होगा संविधान सभा के लिए चुनाव होगा और चुनाव में क्या होगा कि जो प्रांत का जो विधानसभा है वहां से होगा निर्वाचन आज देशी रियासत होगा मनोनीत होगा आज जो देशी रियासत इसमें नहीं आएगा तो उसको यह अधिकार होगा कि वो अलग से क्या करेगा समझौता कर सकता है ब्रिटिश सरकार से तो देखा जाए तो भारत का विभाजन कर मैं रूपरेखा तैयार कर रहा कि तू ना भारत सत्र रहेगा तू अलग रह सकता है समझ में क्या ना तब आइए पढ़िए बाबू विचार करते हैं आइए स्टेटमेंट बोला है बोलिए संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य सुनिएगा बड़ी बढ़िया है क्या बोल रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों से नामित सदस्य शामिल होंगे बाबू कुछ पकड़ा रहा है पकड़ा रहा है देखिए ये प्रांतीय विधानसभा तो निर्वाचित की बात किया बाबू ये निर्वाचित बोला है ना और रियासत से बोला है नामित देखिए नामित कोई मनुत बोलते है तो हैं ये गलती नहीं लग रहा है बाबू लग रहा ना अब चाहे तो ये वाला आंसर होगा चाहे तो बोली होगा फिफ्टी फिफ्टी अब पढ़िए अगला नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्राण तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा तो अपनी भावी स्थिति भविष्य के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि कर सकता है सही है ना मतलब क्या हो गया आपको दो सही हो गया और एक क्या हो गया गलती हो गया मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको गलती देखना है ठीक है ना ऐसा क्वेश्चन जानते हैं पहले, पहले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता था आइए बाबू सुनिए इसमें तीन क्वेश्चन है तीनों याद कर लीजिए पहला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा भारत में आया है चौबीस मार्च उन्नीस सौ जब आया उसके तो बाद घोषणा किया क्या घोषणा किया? तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा कब किया पहला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को घोषणा कब किया सोलह में उन्नीस को अब देखिए घोषणा कर दिया बोला कि हम ये देंगे ये बो, बोल दिया है ना अब हमारे है ना यहाँ दो प्रमुख पार्टी है एक कौन बाबू कांग्रेस है और एक है मुस्लिम लीग मुस्लिम है लीग है और भी पार्टी है लेकिन ये दोनों क्या है प्रमुख है तो सुनिएगा ये घोषणा किया तुरंत स्वीकार नहीं कर लिया जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है नहीं होता है कि नहीं होता लड़का लड़की प्रपोज किया आज बोला कि आई लव यू बोला कि अच्छा ठीक है हम बाद में सोच के बताएंगे विचार करेगा ना तो यहाँ पर आया तुरंत स्वीकार नहीं कर लेगा सबसे पहले क्या इसको मुस्लिम लीग स्वीकार कर लिया है ना एक दो, देखिए दोनों भी इसके लिए क्या स्टडी कर रहा था क्या हमको दे रहा है तो शुरू में तो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ नहीं जी मुस्लिम लीग तो बोला कि हमको पाकिस्तान चाहिए आप पाकिस्तान के अलग से विधानसभा तो बना नहीं लेकिन बाद में सोचा कि चलो भाई स्वीकार कर लेते हैं तो यह क्या हुआ आपको छो जून क्या बोले वो छो जून उन्नीस को स्वीकार कर लिया छह जून उन्नीस को क्या किया स्वीकार कर लिया अब बोलता है चलिए हाँ, हाँ? कांग्रेस ने कब स्वीकार किया तो ध्यान रखना कांग्रेस मुस्लिम लीग के बाद स्वीकार किया है मतलब ऑफिशियल तौर पर क्या है आपको मुस्लिम लीग के बाद स्वीकार किया है ठीक है ना तो यहां हो यहाँगा चौबीस जून सुनिए एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है लेकिन ऐसे स्टेटमेंट नहीं पूछा गया है खाली वहां क्वेश्चन पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था तो हमको लगेगा तीनों क्वेश्चन एक को में डाल देते हैं ठीक ना तो यहाँ पर क्या हुआ मुस्लिम लीग छो छियालीस को ठीक है ना और कांग्रेस को ये भी याद रखिएगा कि पहले मुस्लिम लीग स्वीकार किया है ऑफिशियल तौर पर आबाद में में कौन हालांकि देखिए देखिए कांग्रेस शुरू मतलब ये आया ना तो मुस्लिम लीग तो अपना पाकिस्तान की मांग कर रहा था लेकिन ये कांग्रेस क्या था मतलब मूर्ख सहमति था लेकिन जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तो तक तो कैसे होगा जी मान कर रहे हैं कि हाँ भाई रह रहे हैं साथ ही ली भिलीन में रह रहे हैं जब तक यहाँ सिग्नेचर नहीं होगा तब तक बेहतर मिलेगा नहीं तो वही बात यहाँ पर है आंसर क्या हो जाएगा चौबीस जून उन्नीस सौ छालीस अब आगे बढ़िए दोस्तों भारत का संविधान मूल रूप से किस भाषा में तैयार एवं अधिनियमित किया गया देखिए भारत का संविधान मूल रूप से किसे बना है अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया है उस समय का सबसे बढ़िया लिखे वाला आदमी थे उनको ले गया और सबसे बढ़िया लिखे वाला आदमी का नाम कुछ था प्रेम बिहारी राय एकदम प्रेम से लिखे तो अंग्रेजी में लिखा गया और उसके बाद क्या है कुछ हिंदी में बाबू लिखा गया कृष्ण वैध कृष्ण वैध द्वारा तो यहाँ पर है कि भारत का संविधान मूल रूप से किस भाषा में तैयार हुआ बताइए अंग्रेजी अब कौन लिखा बाबू प्रेम बिहारी राजा हिंदी में कौन किया कृष्ण वैद्य अब आइए इस पशु को प्रतीक मुहर के रूप में संविधान सभा के प्रतीक रूप में हाथी संविधान सभा क्या था प्रतीक था हाथी क्या होता संविधान सभा का प्रतीक था वर्तमान में हाथी किसका चुनाव चिन्ह है बहन मायावती सही पकड़े हैं बसपा का बहुजन समाज पार्टी आइए गाय जानते ना गाय को हिंदू धर्म पवित्र माना जाता है और गाय था आपको अठारह सौ संतावन क्रांति कारण बना था चर्बी वाला करतु बाघ भारत का राष्ट्रीय क्या वो पशु है ठीक है ना तो जंगल का राजा है और हाथी के बारे में बड़ी जानना है देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु आपका शेर है लेकिन भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछेगा नेशनल एनिमल पूछेगा तो आपका सॉरी गलती गया, भारत का राष्ट्रीय पशु बोलेगा भारत का नेशनल एनिमल बाघ हो जाएगा लेकिन नेशनल हेरिटेज एनिमल भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बोलेगा तो कौन जाएगा, हाथी हो जाएगा इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में वहां पर चर्चा करेंगे आइए संविधान सभा के सचिव के रूप में बाबू ये भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है यहाँ सचिव है बाबू आप संविधानिक सलाहकार बोल रहे हैं संविधानिक सलाहकार बी एन राव थे ठीक है ना शिल्पकार थे और जो बी आर आयर जी है ये क्या थे सचिव थे आयंगर जी क्या थे आपको सचिव थे ठीक है ना ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन जानवे करते हैं खर करना जरूरी है आइए संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था अब सुनिए दोस्त इसमें है कंफ्यूजन कन्फ्यूजन क्या देखिए आपको जानते एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा में एक पहला जो बैठक हुआ पहला बैठक पहला बैठक भारत पाकिस्तान साथ ही ना था तीन सौ नवासी को सदस्य संख्या था तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछा उसमें आंसर क्या था कि दो सौ सात को पार्टिसिपेट किया था पहला बैठक में इसमें नौ क्या था महिला थी सुन लीजिए जो आंसर वहां दिया हुआ था दो सौ सात को लोग पार्टिसिपेट किए जिसमें नौ क्या थी महिला थी और टोटल महिला कितना थी पंद्रह को तो नौ गलती थी लेकिन आप समझिएगा

साथ देगा। ठीक ना? ना है ना चलिए और बचल है बाबू बचल होगा कि नहीं है नहीं है तो इसको अब देखिए हाँ। देखिए चेहरा अच्छा लगे चाहे नहीं ठीक ना अब छह महीना आठ महीना जो भी है इसी चेहरा के साथ समय गुजारना है बाबू है ना चलिए इसीलिए क्या है कि अब आदर डाल लीजिए तो यहां तक आने के बाद अनुभव लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा पढ़ने के बाद लग रहा था क्वेश्चन सब बन रहा है कोई दिक्कत नहीं था बन रहा था ना अब सुनिए आप लोग को पता नहीं चल रहा है कहाँ से लेना है जी रुके थोड़ा सा के बता ही देते हैं कने है देखिए जब अपना एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा अपना बैच बाबू को ओपन कीजिएगा आप में मैनेज कीजिएगा हम तो यहाँ पर देखिए क्या है कि रिकॉर्ड सेक्शन जाइएगा जाइएगा लाइव देखिएगा तो उसमें दिखाएगा यहाँ पर रिकॉर्ड सेक्शन जाइएगा देखिए पर क्या है ऑल नोट्स ऑल नोट्स में क्या रहेगा आपका जो क्लास का नोट्स होगा वो क्या होगा ऑल नोट्स में तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आज नोट्स में भी क्या है क्लास नोट्स खुलेगा यह पी वाई क्विज पोलिटिक का पूरा पढ़ा रहता है टेस्ट में क्या है कि टेस्ट में जाइएगा पॉलिटी कहा था तो पोलिटिका होगा फिर हिस्ट्री का बायोलॉजी का जो भी होगा वहां पर डालाएगा और पोलिटिका टेस्ट है पॉलिटिक यहाँ पर डाला गया और उसमें देखिएगा एक क्वेश्चन फाइल क्या आंसर फाइल है कौन तो बच्चा बोल रहा था कि एंसर फाइल नहीं है देखिए आपका आंसर फाइल यहाँ पर है है ना जी इसको डाउनलोड कर लीजिए अच्छा डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना है यहाँ पर नीचे हुआ तो तीन गो लाइन होता है तो यहाँ डाउनलोड मत कीजिएगा ये डाउनलोड कीजिएगा खाली मोबाइल में देखिएगा आपको करना है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जब हो जाएगा अपना हित नता था गोती नहीं जहां भेजना जहां भेज सकते हैं ठीक ना लेकिन पैसा आपका लगा है पढ़िएगा है ना पढ़ना पैसा लाओ अपने कमा लीजिएगा बहन भी, भी है ना तो ये बाबू क्या है आपका बिहार दरोगा सिलेक्शन प्री प्लस मेंस की संपूर्ण तैयारी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन अगर यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो दस सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर जाइए कोर्स में जाइए वहां से जुड़िए और कोई समस्या हो तो नंबर है यहाँ का इस पर आप बातचीत कर लीजिएगा अब कल कल क्या होगा 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 का का जो चैप्टर ये पॉलिटी का बोल सकते हैं एक भारतीय है संविधान की विशेषता और उसमें क्या है कि जितना आगे हम पढ़ने वाले हैं सब क्या करेंगे वहां पर बताया जाएगा और उसके बाद क्या होगा उसका भी इस तरह से क्या करेंगे आपको टेस्ट करवा देंगे ठीक है ना ये टेस्ट देखिए आपका काम है बाबू घर पर टेस्ट देना अब आप बच्चा ना ना कि हम बड़े बने मारेंगे पीटेंगे टेस्ट दिलवाएंगे ये आपका काम है हम देखिए क्या है कि जितना आपके लिए हो सकता है ना उतना हम कलेक्ट करेंगे मटेरियल आपको क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे अच्छा एक बच्चा बोल रहे थे सर एक ही बार नोट्स दे दीजिएगा देखिए क्या जो पॉलिटी का जो क्लास जो हैंड रिटन है वो आपको हम अपलोड कर दिए हैं तो उसको निकाल लीजिएगा अब बाकी क्या है कि अभी हम क्या करें खुद टाइप करते हैं बिल्कुल टाइप करते जा रहे हैं और टाइप करते लगेगा क्लास वाइज नोट्स मिलते जाए जितना जहां तक संभव हो पाएगा वहां तक आपको मिलते जाएगा प्लस क्या है तो हम प्रयास करें कि जितना भी चैप्टर पढ़ाते चलेंगे उसको पहले क्या करें सब्जेक्ट वाइज अलग कर ले है ना और टॉपिक जितना क्वेश्चन पूछा गया उसको अलग कर भविष्य में जितना क्वेश्चन बन सकता है है उसको एक जगह आपको दे दे ठीक ना लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसलिए कीजिएगा कि देखिए सारा ये सब काम जो होता है हम खुदे करते हैं क्वेश्चन वाला हम दूसरा सब संतुष्टि नहीं होता तो खुदे करते हैं हमको लगातार लेना होता है क्लास ठीक है ना तो कई बार थोड़ा समय उधर उधर है तो थोड़ा सा मैनेज आप कर लीजिएगा बाकी कोई समस्या नहीं ना है और कोई आप लोग बताइए दोस्त किसी का कोई बड़ा गुरु ना देख रहे हैं दोस्त कोई दिक्कत नहीं ना है आप ही बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ना है चलिए ठीक है मंगनी राम जी, समझ में नहीं आता एक चीज सुन लीजिए अगर आप मैदान में उतर ही गए हैं है ना तो हम लोग बहुत पढ़ले पढ़े थे तन समर्पित मन समर्पित जीवन का कन कण समर्पित चाहता हूं देश की तो कुछ और कभी भूलिए वैसे पढ़िए मन समर्पित कर्ण समर्पित सर पल समर्पित है ना पूरा जीवन समर्पित फिर भी लगता है ये बिहार दरोगा एग्जाम तुरा तो कुछ और दे तो का दे और कोई समय दे देखिए बता रहे हैं नहीं समझ में आता है समझने का प्रयास आप लोग कैसे बोलते हैं कि मैथ समझ में नहीं आता मैथ इतना साइंटिफिक कोई चीज तो है नहीं है जी हम पंद्रह के बाद मैथ नहीं पढ़े हैं पंद्रह के बाद मैथ नहीं पढ़े ठीक भुला के कॉन्सेप्ट थोड़ी कोई भूल जाता है जी समझे ना आप बोलता है दिन आओ लेकिन पांच छो गता चीनिया वाला मैथवा दिए नहीं होता है सब समझ में आएगा प्रयास कीजिए बदराज वाला कहानी सुने है ना कि नहीं सुने सुन लीजिए कि बदराज गया था वो पहले आश्रम में पढ़ाई होता था तो वहां गया तो गुरु जी पांच छो साल पढ़ाए बोले कि बेटा तो बस के बाद पढ़ाई नहीं है तू घरे जो घरे बेचारा निकल गया बड़ा उसको उदास लग रहा था कि भाई घर जाए कौची कहेंगे कि भाई फेल करके फेल होके आ गए तो दोपहर के समय था उसको प्यास लगा था कुआं के पास गया तो कुआं में पानी खींच रहा देख रहा है कि वहां कुआं का जो होता है बाबू वहाँ देखा गया कि रस्सी से क्या हो ग्ढा नहीं बन जाता है तो उसके दिमाग में एक चीज कौन था कि जब एक कोमल रस्सी से पत्थर में क्या हो सकता है घाट पड़ सकता है पत्थर में गड्ढा हो सकता है तो अगर हम ये फट करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है देखिये है कहानी लेकिन ये मोरल एजुकेशन इसलिए दिया जाता है ताकि उसे हम प्रेरणा ले सके तो वही बात हम लोग के साथ है जो चीज आपको समझ में नहीं आता है एक बार में नहीं आएगा दो बार समझने का प्रयास कीजिए तीन बार समझने का प्रयास कीजिए हम बताते हैं क्या कि इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते थे ना पढ़ते थे ना हमको पहला बार समझ में नहीं कुछ आया था ना लेकिन आप लोग के बैच का पूरा लेकिन पिछले वाला बैच बताया पता कर लीजिएगा एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा सब अब क्या है समझ में आ रहा है देखिए समझ में आने का एक तरीका है समय बिताइए किसी के साथ समय बिताइएगा तो आपको प्यार हो ही जाएगा पहले देख के साथ भी आता था जी नहीं लेकिन फिर भी शादी का रिश्ता था देखा, वो होता है क्योंकि समय था बिता रहे हो ना, समय ना तो में से से रहे हो जी जैसे समय बिताइए तब ना होगा जी ऐसा कुछ हो नहीं कि समझ में नहीं आएगा ठीक ना और हमारे यहाँ जो मैथ की फैकल्टी है बस आप साथ दीजिए पढ़िए समझने के का प्रयास नहीं समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा तो फिर उपाय करेंगे लेकिन समझ में आएगा ई मन से पहले निकालिए अब बोलते हैं कि आप पढ़ाइए मैथ तब वो भी समझ में आएगा देखिए सुन रहे ना आप सब हम ही करेंगे बाबू तो ना, ना काम चलेगा देखिए क्या है ना कि सब के पीछे समय देना होता है हमको भी मैथ पढ़ाने के लिए पढ़ना ना पड़ेगा जी समझ में रहा ना ये तो भाई गंजो भांग पी के आएंगे बता देंगे अब यही पंद्रह साल से यही काम कर रहे हैं मैथ हम बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं पंद्रह से हमको तो देखना पड़ेगा ना और साथ ही क्या सब काम हम ही करेंगे तो और दूसरों का काम दोगे ना बाबू कैसे रोजगार चलेगा सबके सही है नेक्स्ट क्लास कब होगी सुनिए एक क्लास जो आपका होने वाला है बिहार दुर्गा पी वे आप लोग भी लिए हुए हैं तो यहाँ ऑफलाइन आप लोग पढ़िएगा सुनिए अभी तक तो हम पढ़ाते हैं हम फिर खाना खाएंगे खाना के बाद कुछ रेस्ट करेंगे तो उतना तो देर आप लोग बैठिएगा नहीं तो उसको ऑनलाइन आप लोग देखिए समझ रहा हाँ और बाकी सनीचर दबा के दो दिन का कीजिएगा यहाँ चलेगा तो उस समय देख लीजिएगा अब बाकी क्या कह ऑनलाइन देखिए समझ में क्या बोल रहे हैं ठीक है ना तो अब क्लास देखिए होगा दो हो से दूसरे चार होगा या बारह से दो से चार होगा या तो चार से छः होगा अभी हम थोड़ा सा खाना खा के विचार करेंगे के बजे से क्लास होगा मैसेज दे देंगे ठीक है निकलिए धन्यवाद सारा के सारा समझ में आएगा समझ में आएगा का नहीं आएगा खाली आप लोग पढ़िए तो समय दीजिएगा तब ना समझ में आएगा बोलिए बाबू क्या कमेंट ले दोस्त बताइए सिलेक्शन बैच में क्लास का टाइमिंग बाबू है सवा दस से सवा बारह है अभी इसी में कम इसी हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक है तो आपसे विदा लेते हैं कल आइए